हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन काइनेमेटिक्स के तरफ हम लोगों का रहेगा और ये भी मैं जो अब तक एम्स में पिछले 25 इयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका मैं और आपके साथ डिस्कशंस क्लास चलेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ये मेरा कतई मिशन नहीं है। मेरा ये मिशन है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है और आपने जो मेरे पिछले थ्योरीज को पढ़ा या नहीं भी पढ़ा, अपने थ्योरीज को ही आप मान को ध्यान में रखते हुए आप एक बार हमारे साथ डिस्कस कीजिए और देखिए कि आपका अप्रोच क्या होगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि आपकी अप्रोच सिंगल अप्रोच होना चाहिए। डायरेक्शन क्या लेना चाहिए, इक्वेशंस क्या लेना चाहिए, मूवमेंट किधर होना चाहिए, इसमें हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। जैसे कभी आप कहिएगा कि सर किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशंस में हमने देखा कि पॉजिटिव साइन लिया टॉप जाते हुए, कभी नेगेटिव साइन लिया, आपके मन में यह आ सकता है कि मैं करूं तो क्या करूं, कौन सी साइन पर ज़्यादा ऑथेंटिकेटिंग लूं। इन सभी सवालों का जवाब मैं अपने क्वेश्चन बनाते हुए समय में दूंगा। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, 2018 से संबंधित क्वेश्चन है, एम्स में पूछा गया। कहता है इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी सच दैट दिस वेलोसिटी इज ए 41 - 2t मल्टीप्लिकेटिव, देन पूछता है कि व्हाट इज द टाइम, वह टाइम इंटरवल क्या है व्हेन वेलोसिटी अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू। पार्ट यहीं तक रुक जाता है, लेकिन इस क्वेश्चंस में दो बातों का ध्यान देना पड़ता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी, और अगर कोई भी चीज अगर मैक्सिमम है तो वह कॉन्स्टेंट है, और कोई भी चीज अगर कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफ्रेंसिएशन आप किसी भी फंक्शन के साथ कीजिएगा, आंसर जीरो आएगा, करेक्ट। इसी का इस्तेमाल किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर दो अप्रोच है, एक है कि आपका सिंपल डिफरेंशिएशन आप करेंगे वेलोसिटी का, उससे आपका जीरो इक्वेट कर देंगे और आपकी टाइम आ जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन, यस। आप एक काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो व्हाट इज वी दिस टाइम, दिस इज इक्वल टू 40 - 8t² एंड दिस इज द वेलोसिटी। इफ दिस वेलोसिटी इज टू बी मैक्सिमम, देन मैक्सिमा और मिनिमा का प्रयोग करते हुए डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मैक्सिमम विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल इज ए टाइम मस्ट बी जीरो। अब जरा इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 4 - 16t एंड एज पर द रूल किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट अगर मैक्सिमा है वह जीरो हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, 16t। देयरफॉर व्हाट इज टी, 4 / 16 दैट इज 1/4 एंड दैट इज 0.25 सेकेंड। सो चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, जरा फोकस किए हुए क्वेश्चन पर गौर कीजिए। कहता है द पोजिशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज ए टाइम डिपेंडेंट, दैट इज ए बी नॉट प्लस बी वन टी प्लस बी टू टी स्क्वायर। सो आप कह सकते हैं कि दिस एक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम टी, जहां पर बी नॉट बी वन एंड बी टू आर ऑल कॉन्स्टेंट। तो पूछता है कि वॉट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, आपका टाइम नहीं दिया हुआ, आपको फंक्शन ऑफ टाइम टी पर ही बताना है। आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जब भी डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कीजिएगा या डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आपका वेलोसिटी आ जाएगा, एंड व्हाट इज दिस वेलोसिटी, किसी भी कांस्टेंट का जीरो, यहाँ पर आपके पास बी वन प्लस टू बी टू ये आपके पास आ गया। अब आप अगर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं विदाउट एनी डाउट इट गिव्स एक्सीलरेशन एंड अंडर दैट कंडीशन, यहाँ पर टी छूट गया हमारा, अंडर दैट कंडीशन इट इज 2b2. So what is the acceleration according to the answers? 2b2. And so the choice is D choice, 2b2. Next. Yes, my dear students, next question पर आप focus कीजिए। थोड़ा सा ये concept है, यहाँ पर आपको सीखने का मौका मिलता है, concepts को भी मिलेगा आपको judge करने का। चल, कहता है car starts from any position. Let us consider this point is A. Okay? According to the question, it just start, मतलब यहाँ का initial velocity zero, with an acceleration f, यहाँ acceleration a को मैंने f दिया, and it covers a distance d, and ये d क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ था, f and s are given, okay. After is covering s distance, it moves with a constant velocity. उसके बाद क्या किया, वो constant velocity से चला for the given time t. तो B से C तक वह कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है एंड दिस टाइम T इज ए गिवन, यहां टाइम क्या है, गिवन है, ओके। अब क्या करता है, C से वो डिसेलरेट करता है, मतलब अपने ब्रेक पर पैर रखा,
इट स्टार्ट्स डिसेलरेटिंग विथ माइनस ए इक्वल टू एफ बाई टू एंड फाइनली इट स्टॉप्स। तो ये कहता है स्टॉप्स हो जाता है और कहता है कि ड्यूरिंग दिस जर्नी फ्रॉम ए टू बी जहाँ एक्सीलरेशन है, बी टू सी जहाँ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, और जहाँ सी से डी डिसीलरेशन है, शुरू में भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी लास्ट में भी जीरो है, एंड लेट अस सपोज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 15s, तो आपसे कहता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एस एफ एंड टी। उसमें से चार ऑप्शन से कोई एक आप चूज कीजिएगा। रेडी? यस मैम। अब आप सबसे पहले यहां से यहां तक चलिए। इसमें क्या दिया हुआ, एस दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ, और दोनों वेलोसिटी एक वेलोसिटी आपको दिया हुआ है। तो मेरा अप्रोच क्या होगा, स्टेप वन में अगर लूं तो पहले मैं ए बी को लेता हूं, और इस ए बी को लेने पर मैं वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बी से सी तक का हमको ये दिया हुआ है, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी, तो क्यों ना हम इस बी का ही वेलोसिटी निकाल लें। और वह वेलोसिटी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एफ, दैट इज एक्सीलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, नॉर्मल फॉर्मूला। नाउ वी स्क्वायर तो यही आपको वहां पर निकालना है, यू आपका इनिशियली स्टार्ट किया, टू कॉन्स्टेंट है, एक्सीलरेशन एफ है, एंड डिस्टेंस ये एस तय करता है, तो दिस वी स्क्वायर इक्वल टू टू एफ एस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आ जाते हैं। एस आपका दिया हुआ है इसलिए भी को ही रहने दीजिए। हाँ, अगर भी की जरूरत पड़ेगा तो आप ऑब्वियसली लिख सकते हैं टू एफ एस अंडर रूट, आप इसको भी वन ले लीजिए, यहीं पर वन ले लीजिए, दैट इज ए बेटर। जरूरत पड़ेगा वी स्क्वायर को तो इसको पुट कर देंगे, भी को पुट करेगा इसको पुट कर देंगे। अब क्या करें, यहाँ पर तो इट मूव्स विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी फॉर द टाइम टी, तो अब एस वन क्या हो जाएगा, चूंकि वहाँ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो क्या आप समझ गए वहाँ पर का एक्सीलरेशन जीरो है। इसकी बात समझते हुए अब आपका स्पीड क्या है, भी एंड इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस फॉर टाइम टी, और भी इक्वल टू आपके पास टू एफ एस ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, और वह टाइम टी है, टी गिवन है, एस गिवन है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई चिंता नहीं करना है, और एस वन के लिए बाद में मैच करेंगे क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है 15s है। अब मैं क्या करूँ, ये वाला कौन सा स्टेप आ जाएगा बच्चे लोग, स्टेप टू कर दीजिए, अगर स्टेप की ही बात करते हैं तो इसे स्टेप टू कर दीजिए। अब मैं क्या करूँ, एक और स्टेप कंसिडर स्टेप थ्री, किसकी बात करेंगे, अब कहता है कि अब डिसेलरेशन स्टार्ट हो गया एंड फाइनली इट स्टॉप्स, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी तो वही ना भी हो जाएगा, क्योंकि यहां से ना डिसेलरेट किया, यहां से ब्रेक पर पैर रखा गया, तो अब क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू यू इनिशियली का स्क्वायर टू ए एस, फाइनली जीरो है और इनिशियल का स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर का मतलब टू एफ एस हो जाएगा माइनस टू, एक्सीलरेशन के बदले रिटार्डेशन है, डिसीलरेशन है, और वो भी एफ बाई टू है, और उस दूरी को अगर मैं इस दूरी को एस टू मान लेता हूँ तो एस टू की रिलेशंस आ जाएगी, ये एफ से एफ भी कटेगा और तब एस टू इक्वल टू टू एस आ गया, लेट इट सपोज थ्री। अब आपका काम खत्म हो गया, नीचे के इक्वेशन से मिला दीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना है 15s है, इस क्वेश्चन में इसको सबमिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एस एस के जगह पर तो एस है ही, यस। नाउ व्हाट इज दिस डिस्टेंस, एस वन कितना है, तो एस वन मैंने निकाला था हमारे पास, एस वन की वैल्यूज चलिए अभी रहने दीजिए एस वन। नाउ व्हाट इज एस टू, टू एस, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 15s, यहां पर ये क्या दिया हुआ है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 15s अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसका मतलब व्हाट इज एस वन, तो 15s से 15s है और ये 3s घटेगा तो हमारे पास 12s हो गया, एस वन भी निकल गया। अब मेरे पास टास्क क्या कहता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड एफ एंड टी, यस, तो इस एस वन के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग, यहां पर एस वन जो आपके पास दिया हुआ है 12s, आप इस जगह पर आ जाइए। अब थोड़ा सा इसको मिलाना पड़ेगा आंसर से, कि आंसर किसके किसके बीच में पूछता है, एस एफ और टी, तो एस वन को अगर हम हटा दें एस के टर्म में लिख दें और यहां भी एस ही है और यहां भी एफ है, तो मेरा काम बन सकता है। क्या करें, यहां पर इस एस वन को लिखिए, एस वन इक्वल टू क्या हो गया बच्चे लोग 12s, ठीक है, 2fs, यस 2fs अंडर रूट एंड देन टी, क्योंकि टी के टर्म में ही तो आंसर देना है इसलिए हमें कोई चिंता की बात नहीं है, एस को एफ और टी से करना है। अब हम इस स्क्वायर को हटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 144s² इक्वल टू 2fs इंटू टी,
एक एस तो आपका यहाँ से डिलीट हो गया और अब आपके पास आ जाएगा एस इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 144 एफ ऑफकोर्स टी दैट इज 172 एफ टी एस इक्वल टू 172 एफ टी और यहाँ पर जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये टी स्क्वायर भी हो जाएगा तो अब हमारे पास 170 एफ टी स्क्वायर एंड अगर हम आंसर को चूज करें उसमें से तो मेरे पास आंसर सी इज द करेक्ट आंसर तो यहाँ से आप सी आंसर को मैच कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हो गया मैंने तीनों का डिस्टेंस को निकाला और यहाँ पर S1 की वैल्यूज को मैंने 12 एस पुट कर दिया चूंकि S1 नहीं जानते थे हम उस तीनों ऐड आ गया और जैसे ही आ गया F, S और T का रिलेशन ही तो पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यस माय डियर स्टूडेंट्स आप जरा उस क्वेश्चन पर फोकस कीजिए क्या कहता है क्वेश्चन आप कोर्स एम्स 2008 में आया हुआ है और यहाँ भी आपके पास कॉन्सेप्ट के लिए एक बार आप चेक कीजिए अपने चेकलिस्ट पर डालिए इसे। कहता है पैरासूटिस्ट जो कि एक ऊंचाई पर जाके वो जंप करता है जिस समय वो जंप करता है हो सकता था उसका स्पीड अप में या डाउन में हो लेकिन इस क्वेश्चन में कहता है इट जस्ट जंप्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। मैंने यहाँ फिगर बना दिया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है जिस जंप करने के समय में नीचे की ओर जंप कर रहा उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है एंड इट फॉल्स अंडर ग्रेविटी आप देख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये कितना हाइट तक गिरता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट फॉल्स अप टू ए हाइट ऑफ 50 मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब वहां तक जो गिरा अंडर ग्रेविटी में तो वहां तक का तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे उस वेलोसिटी को आप निकाल लीजिएगा पहला आपका यहां पर टास्क आ गया। उसके बाद क्या कहता है कि अब पैरासूटिस्ट ने देखा कि अब ग्राउंड नजदीक आ गया है तो उन्होंने अपना छाता को ओपन कर लिया अपने अम्ब्रेला को ओपन कर लिया इट ओपन इट्स अम्ब्रेला और जैसे ही अम्ब्रेला को ओपन किया एयर रेसिस्टेंस के कारण अप फोर्स किधर लगने लगेगा ग्रेविटी तो लगेगा ही और साथ साथ अप फोर्स भी लगेगा उस दोनों का रिजल्टेंट का इफेक्ट कहता है कि डिसेलरेट्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो अब ये डिसेलरेट्स करता है एक्सिलरेट नहीं करता है डिसेलरेट्स कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो जो भी वेलोसिटी यहां तक आया होगा धीरे धीरे वो वेलोसिटी घटने लगेगा यहां तक कॉन्सेप्ट हो गया एंड फाइनली इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद ए स्पीड या वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। तो यहां पर प्रोसेस क्या हो गया कि भाई शुरू में वह एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी से गिरा अंडर ग्रेविटी गिरा और जैसे ही वो सर्टेन हाइट गिर चुका है तो उन्होंने पैरासूट को खोल लिया इसलिए अब दो फोर्स लगने लगा एक एयर रेसिस्टेंस का अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर लगने लगा और ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर लगने लगा लेकिन अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होने के कारण रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जो कि निगेटिव डिसीलरेशन हो गया वो आपका माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो पूछता है कि कितना हाइट से वो जंप किया तो एक तो 50 मीटर तो पहले से ही दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना रहेगा कि लास्टली ये कितना मीटर नीचे गिरा है अंडर डिसीलरेशन केस में। चलिए सबसे पहले मैं इस वेलोसिटी को निकाल लूं तो ये तो बहुत सिंपल है ना एक लाइन का क्वेश्चन हो गया 2as हो गया इनिशियल वेलोसिटी 0 टू 9.8 इंटू एस इक्वल टू 50 देयरफॉर दिस वेलोसिटी इक्वल टू 10√9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके अब मैं क्या करूं ये वेलोसिटी का किधर डायरेक्शन है तो दिस इज सर्टेनली डाउनवर्ड ये तो नीचे जा रहा है ठीक है अब ये नीचे गिरेगा तो कितना गिरेगा लेकिन डिसीलरेशन किधर लग रहा है अप लग रहा है तो एक बार फिर से आ जाइए लास्ट की वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है तो वी फाइनल का स्क्वायर दिस इज द वी इनिशियल का स्क्वायर प्लस टू एक्सीलरेशन और एच ये नॉर्मल फॉर्मूला व्हाट इज द वी एक्सीलरेशन यहां पर आ जाइए कितना है 3 × 3 का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा तो बच्चे लोग ये कितना हो जाएगा 2 9.8 × 50 और इसका क्या करेंगे आप स्क्वायर ये तो स्क्वायर ही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है प्लस ओके डिसीलरेशन कितना है -2 अब ये हाइट कितना हो गया लेट अस सपोज h2 जो मैंने यहां पर दिया हुआ है और आप यहां से जब h2 की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास कैलकुलेटेड जो किया गया है वो आता है 242.75 आप कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन आप ही से करवाते रहेंगे हमेशा। अब आपके पास क्या आ गया व्हाट इज द टोटल हाइट तो टोटल हाइट h तो इस दोनों हाइट को एच कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू h1 + h2 सो ऑब्वियसली 50 + 242.75 तो ये क्या हो जाएगा 290 लगभग 93 आ गया मीटर एंड सो दिस इज योर आंसर चॉइस यू कैन सी। नेक्स्ट यस माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर फोकस कीजिए 2006 के क्वेश्चन से क्या कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी सच दैट
s displacement equal to 60 square minus 6 cube. And under that condition, initial velocity, it starts from rest, that is initial velocity 0. Now, what is the question? What is the time when its velocity again becomes 0? What is the time when velocity again becomes 0? Matlab initial to hai, baad ke bhi velocity 0 ho jayenge, aur tab time kya hoga? So, question mein khud hi khud bata raha hai ki velocity final 0 ho jayenge, that is a v equal to 0. Aur us samay time kya hoga? To kitna asaan question puch liya. Aap jante hain ki kisi bhi samay position ko या डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो वेलोसिटी आ जाएगा. तो दिस ds बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी 12t माइनस 3t स्क्वायर. और ये कहता है कि जीरो हो गया तो अब टाइम क्या होगा? क्योंकि यही वेलोसिटी को जब जीरो करेंगे तो इसमें टाइम आ जाएगा. हम इसमें से 3t कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा 4 माइनस टी एंड दैट इज इक्वल टू जीरो. इसके दो प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू 4 सेकेंड. इसका ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि वेलोसिटी दो बार जीरो हुआ, एक टाइम टी इक्वल टू जीरो पर, एक टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड. जीरो तो वो पहले ही कह रहा है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो दूसरा टाइम क्या हो गया? टी इक्वल टू 4 सेकेंड. एंड सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, इस बार भी क्वेश्चन पर जरा सा नजर कीजिए. क्या कहता है कि व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप विद ए इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट अंडर ग्रेविटी इट रीचेज टू अ मैक्सिमम हाइट एच. जैसे एक बॉल को आपने थ्रो किया, आपने उसकी स्पीड दिया टॉप के लिए और वो मैक्सिमम हाइट एच अटेंड करता है जहाँ पर टॉप वेलोसिटी जीरो हो जाती है. अब कहता है इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सेंड द सेम बॉल टू ए ट्रिपल ऑफ इट्स हाइट, मतलब तीन गुना हाइट को ऊपर भेजना चाहते हैं, तो वॉट शुड बी योर इनिशियल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट वेलोसिटी. यस, आ जाइए यहाँ पर क्या हो गया बच्चे लोग, आप ऐसे करके समझो कि भाई मेरे पास ये बॉल है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है और मैंने इसे टॉप पर पहुंचा, तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो. और ये एच है, अंडर ग्रेविटी है, इस बात को मान के चलना ए इक्वल टू जी हो गई. अब जिधर आपने ऊपर की ओर फेंका ना, इस बात को ध्यान देना बच्चे लोग, जिधर फेंको ना उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना. ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आप चाहो तो बदल के भी ले सकते हो. मैं हमेशा एक ही लाइन को फॉलो करता हूँ कि जिस दिशा में मूवमेंट होता है ना उस दिशा को मैं पॉजिटिव लेता हूँ ताकि कम से कम निगेटिव इन्वॉल्व होता है. हाँ, आप आंसर को चेंज करके भी बना सकते हैं. तो ये क्या हो गया, टॉपर का वेलोसिटी जीरो होता हुआ वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as. टॉप पर वेलोसिटी जीरो, आपने किस वेलोसिटी से फेंका? वी स्क्वायर से. माइनस क्यों माइनस? ऊपर जाने वाला अगर पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन तो एक्सिलरेशन तो डाउनवर्ड लग रहा है ना, इसलिए डाउनवर्ड का हमारा निगेटिव आ गया इसलिए माइनस हो गया. और ये हाइट कितना गया? एच. इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ वी नॉट स्क्वायर है, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2gh. फर्स्ट चॉइस हो गया. अब कहता है कि बच्चे लोग आप इसको कितना वेलोसिटी से फेंकेंगे, लेट अस यू डैश इक्वल टू व्हाट सो दैट इट रीचेस टू थ्राइस इट हाइट. अब यहां पर टॉप पर आके एक बार फिर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. एक बार फिर से उस क्वेश्चन को लगाइए, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इस बार इनिशियल वेलोसिटी आप क्या है? यू डैश का स्क्वायर. आप नहीं जानते आप मत पुट कीजिए. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक बार फिर वही है एंड इस बार आपकी हाइट है 3h. ओके, इससे आप क्या लिख सकते हैं? यू डैश स्क्वायर इक्वल टू 2g into g into 3h. अब मैं क्या करूं, इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं ताकि मैं इस वेलोसिटी को निकाल लूंगा. तो मैंने क्या किया? यू डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट. ये यू डैश आपको निकालना है कि किस वेलोसिटी से आप फेंकेंगे. जब इधर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग? 2g into 3 into h. ये तो उसका हो गया. और इसका कितना था आपके पास जब आपने वी नॉट स्क्वायर से दिए? तो 2gh हो गया. यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल होता हुआ, अब आपके पास क्या हो जाएगा? यू डैश का जो आपने फेंका है वो हो जाएगा 3 into v0. v0 स्क्वायर कर दीजिए और ये भी स्क्वायर कर दीजिए. अब फाइनली कर दीजिए, व्हाट इज द यू डैश? दिस इज √3 into v0 एंड सो द चॉइस इज. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस बार आपके सामने क्वेश्चन है 2017 एम्स के ही सारे सीरीज बना रहा हूँ मैं, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट, मैं अपने कॉन्सेप्ट को मैच करा के आपके कॉन्सेप्ट को रेनफोर्स करने की कोशिश करता हूँ. क्या कहता है? ये ब्लॉक है जो ये एक रिजिड स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से बंधा हुआ है. एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी वर्टिकल एंगल, इस स्ट्रिंग की जो इंक्लाइन डायरेक्शन है वो थीटा एंगल बनाती है. एंड लेट अस सपोज दिस स्ट्रिंग्स मूव इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद ए वी वेलोसिटी. तो कहता है कि इसी ब्लॉक का
इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, दैट इज व्हाट इज द यू इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इफ द ब्लॉक इज इस पोजीशन पर आके वी वेलोसिटी से। ये क्वेश्चंस अपने आप में थोड़ा सा अलग है और इसकी डिटेल को मैंने आपसे कहां पर डिस्कस किया है, कांस्टेंट्स रिलेशंस में। कांस्टेंट्स रिलेशन एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर मैंने डील किया है, आपको जरूर देखना चाहिए फॉर बेटर कॉन्सेप्ट्स। अब मेरा क्या कहना है कि भाई रस्सी का ये लेंथ आपको हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं बढ़ सकता है। तो अगर मेरे पास इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में यू है तो निश्चित रूप से इसकी ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब हमारा क्या हो गया कि ये पार्टिकल इधर नहीं, इस दिशा में उसी वी वेलोसिटी से, ये पार्टिकल अगर इसका एंड ले लीजिए इस दिशा में यू स्पीड से जा रहा है तो इस दिशा में किस स्पीड से जाएगा, इस दिशा में पार्टिकल इसका, ये सिर्फ इस पार्टिकल को देखिए कि अगर ये इस दिशा में यू वेलोसिटी से जा रहा है तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग एंड दिस इज यू कॉस 90 माइनस थीटा, यू कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज यू साइन थीटा। ये बात आ गई। अब क्या है कि भाई ये पार्टिकल यहां पर और ये जाए, इसकी स्पीड तो ऑलरेडी भी है तो ये ही स्पीड तो भी से तो पहले ही इधर जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि u sin थीटा किसके बराबर आ जाएगा, v के बराबर। तो आपके पास अप्रोच में क्या आ गया कि u sin थीटा इक्वल टू v, सो u पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा, v y sin थीटा। एक बार मैं पुनः आपके साथ कॉन्सेप्ट को चाहूँगा कि मैच करा लूँ, आपके सोच और मेरी सोच को टाई कराइए कि भाई स्ट्रिंग का ये देखिए, ये ब्लॉक का ये पोजीशन इस साइड जा रहा है यू वेलोसिटी से, तो इसी ब्लॉक का इसी पोजीशन को इंक्लाइन डायरेक्शन दैट इज इन स्ट्रिंग के डायरेक्शन में क्या जाएगा, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी उसको आप कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वेलोसिटी है उसके कॉस से कर दिए, कंपोनेंट ले लिया इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी चूंकि स्ट्रिंग का डायरेक्शन मूवमेंट इस दिशा में कॉन्स्टेंट है और ये स्ट्रिंग किस दिशा में मूव कर रहा है, ये ऑलरेडी हर पार्टिकल किधर मूव करेगा, स्ट्रिंग का वी वेलोसिटी, ये पार्टिकल भी किधर जाएगा, वी वेलोसिटी, ये भी इस दिशा में किधर जाएगा, वी वेलोसिटी में, और एक मैंने यहां से भी निकाल लिया कि यू साइन थीटा, दोनों मैच करा लिए आ गया। इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, एम्स 2016 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े कॉन्सेप्ट को आपका एक बार फिर से रिवाइज हो जाता है। कहता है कि देर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वन इज ए बस एंड अनदर इज ए कार। बस क्या है, अभी स्टार्ट हुआ, तो कहता है बस जस्ट स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड द एक्सीलरेशन ऑफ बी दैट इज ए बी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट का है। तो बस क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में चलना स्टार्ट कर दिया लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। जैसे ही बस स्टार्ट करता है देखता है उसको ठीक एक कार क्रॉस कर गई, एक स्पीडिंग कार क्रॉस कर गई और उसकी स्पीड कितना था, वेलोसिटी ऑफ कार 16 मीटर पर सेकंड, वो उसे क्रॉस कर गई। अब प्रश्न यह है कि क्या बस कभी उसे पकड़ पाएगा, सोचने की बात है। बस तो अभी अभी हार गया ना, कि वो तो स्पीडिंग कार था 16 मीटर, बस देखते रह गया कार क्रॉस करके, लेकिन लेकिन कार का स्पीड तो कांस्टेंट है 16 मीटर पर सेकंड और वो कभी नहीं बदलेगा, और कार का बस का है अभी जीरो स्पीड है लेकिन वो एक्सेलरेट करता है तो हर समय उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा, और कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि दोनों एक ही पोजीशंस पर आ जाएगा, कभी ये भी होगा कि दोनों का वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा, तो उस टाइम को हमको निकालना रहता है दो डिफरेंट डिफरेंट केस में। इस क्वेश्चन में वेलोसिटी पर नहीं पूछा कि व्हेन देयर वेलोसिटी आर सेम, ना ये नहीं पूछा। इस क्वेश्चन में पूछा है कि एट व्हाट टाइम एंड एट व्हाट पोजीशन दे बस क्रॉसेस द कार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, आप आ जाइए। अब ये बस यहां पर आया और तब तक मैं कार भी यहीं पर है, क्यों कि मैंने आपको बताया कि ये बस की लगातार स्पीड बढ़ते जा रहा है ना, और कार का स्पीड कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं ये दोनों पकड़ लेगा। तो लेट अस सपोज दे मीट एट ए, एक पोजीशंस को दे दीजिए कि ये एस डिस्टेंस पर मीट करते हैं, और कितने टाइम पर मीट करते हैं, एट ए टाइम टी, टी टाइम पर और एस पोजीशन पर दे मीट ईच अदर। इसके पीछे रीजन क्या हो गया कि भाई बस की स्पीड लगातार बढ़ेगा तो कार कब तक जीतेगा, कहीं ना कहीं जब उसके बढ़े हुए स्पीड के कारण उसे पकड़ ही लेगा और उस समय उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब हमको ये देखना है कि वास्तविक स्थिति क्या हो रहा है। अब मान लिया जाए कि ये टी टाइम पर पहुंचता है तो कार कितना डिस्टेंस कवर किया, एस सी इक्वल टू
16 मीटर पर सेकेंड इंटू टी सेकेंड, तो 16 टी एस सी। आसानी से आप समझ गए। और बस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस बी अगर ले लें तो दैट इज ए यू टी, यू जीरो है प्लस हाफ एक्सीलरेशन इसका 8 है और ये टी स्क्वायर हो गया। अब कहता है कि बोथ मीट एट ए पॉइंट, मतलब बस ने कार को चेस करके पकड़ लिया तो ये डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 4t स्क्वायर इक्वल टू 16t। इसका मतलब ये हो गया कि 4, तो टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पर। अब भाई बस ने तो कार को चेस कर लिया, लेकिन वो कौन सी पोजीशन से आया, तो ये दोनों का पोजीशन तो सेम ही आएगा ना, तो व्हाट इज द कार, उस समय कार कहाँ पर है, तो 16 × 4 64 मीटर पर आ गया। तो इजीली आपने देख लिया कि 64 मीटर के पोजीशन पर कार ने, बस ने कार को चेज कर लिया। अब अगर आप इसको रिलेटिव से भी बनाना चाहें तो हम समझते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे रिलेटिव से बनाएंगे, आइए, व्हाट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम एट ए टाइम टी इक्वल टू टी। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या, दोनों सेम डिस्टेंस को ऐसे ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस एज ऑब्जर्व्ड बाय कार, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस एज ऑब्जर्व्ड बाय कार इनटू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ बस एज ऑब्जर्व्ड बाय कार एंड टी स्क्वायर। ये फॉर्मेट पर आइए, रिलेटिव पर मैं आपको चेक कर देता हूं। अब एस दोनों का बीसी क्या है, दोनों तो सेम ही आएगा क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी टाइम तो सेम है ना, क्योंकि आपसे यही तो पूछ रहा है कि कब दोनों मीट करते हैं, तो जीरो आ गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर आइए, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों की बात आइए, बस विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो पहले आप कैसे लिखिएगा, यू बी माइनस यू सी इंटू टी, और यहां पर कैसे लिखिएगा, हाफ ए बी माइनस ए सी इंटू टी स्क्वायर, रिलेटिव का जो नॉर्मल प्रोसेस है जीरो। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए बस, दैट इज जीरो, ये तो बस यहां पर बस ने जीरो से स्टार्ट किया था तो ये जीरो हो गया। माइनस यू सी, ये तो 16 ऑल टाइम कांस्टेंट है, और ये टी हो गया प्लस हाफ हो गया। व्हाट इज द एक्सीलरेशन, दैट इज 8 मीटर, और कार का एक्सीलरेशन जीरो इंटू टी स्क्वायर। यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड इजीली, आप एक मिनट का ये टी से टी काट दीजिए और टी से ये 4 हो गया, तो 40 इक्वल टू 16 यहां पर आ गया, 40 इक्वल टू 16 इसलिए टी इक्वल टू 4 सेकेंड। अब भाई कितना दूरी तय करेगा, तो 4 सेकंड में आप निकाल लीजिए ना कि एस कितना दूरी तय किया, तो 16 × 4 दैट इज 64, सो द आंसर इज ए चॉइस इज द करेक्ट आंसर, 64 मीटर एंड 4 सेकंड। दोनों से आप सीखिए, क्योंकि मैं आपको बताया ना कि आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं मेरे साथ, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम देख रहे हैं या बना रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, टू डायमेंशनल प्रॉब्लम्स, हम इसे कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये टू डिफरेंट डायरेक्शंस में मोशंस हो रहे हैं, और ये क्वेश्चंस आए हैं रिवर एंड बोट का, तो रिवर एंड बोट के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे पिछले वीडियो में है, मौका लगे आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपकी कॉन्सेप्ट रिइंफोर्समेंट होंगे, और निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से बनाएंगे। उसी कड़ी में एक वेरी सिंपल क्वेश्चन आता है, कहता है देर इज ए रिवर एंड देर इज ए बोट, रिवर इज फ्लोइंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड, लेट अस सपोज ये अननोन है, एंड लेट अस सपोज द वेलोसिटी ऑफ ए रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या सिंपल वेलोसिटी ऑफ ए रिवर इज यू, ए बोट ट्राइज टू क्रॉस द रिवर सच दैट इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ मोशन, डायरेक्शंस ऑफ रिवर वाटर, एंड इट इज 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हो गया, बोट पर दो दो वेलोसिटी लग रहा है, एक बोट क्रॉस कर रहा है परपेंडिकुलर टू द रिवर जिसे हम 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, और एक पानी का थपेड़ा इसको आगे की ओर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर ले जा रहा है। अब आपके पास क्या हो गया, इस बोट के ऊपर दो वेलोसिटी, एक वेलोसिटी इसका खुद का 8 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा पानी इसको इस दिशा में ठेल रहा है, जिसके कारण ये वाला वेलोसिटी आपका रिजल्टेंट क्या हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ड्यू टू टू डिफरेंट वेलोसिटी, एक रिवर की और एक बोट का हो गया। अब इसका रिजल्टेंट दिया है तो आपको क्या करेंगे, बनाने का तरीका मैं बता दिया, दिस इज द फर्स्ट वेलोसिटी यू, दूसरा वेलोसिटी इसको ले लीजिए जहां ये खत्म हो जाए वहीं पर से इसको शो कर दीजिए, दिस इज ए 8 एंड दिस इज यू एंड दिस इज द रिजल्टेंट एंड दिस रिजल्टेंट इज 10। अब आपसे आराम से निकाल सकते हैं व्हाट इज दिस वैल्यू, पाइथागोरस थ्योरम से लेंगे तो व्हाट इज यू स्क्वायर, दिस इज 100 माइनस 64 एंड दैट इज यू इक्वल टू 6 मीटर किलोमीटर पर आवर। ये आ गया, अगर आपसे इसमें पूछा नहीं लेकिन अगर पूछता कि व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ ए रिवर फ्लो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए रिवर, ये कौन सा है रिवर की डायरेक्शन, तो क्या आप आराम से बता सकते थे, व्हाई नॉट, टेन अल्फा का वैल्यू क्या लेते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू 8 बाई यू, यू इक्वल टू 6,
ये आ जाता है आपके पास 4/3 एंड देयरफॉर अल्फा इक्वल टू टैन इनवर्स 4/3। और ये अल्फा का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर। बढ़िया समझ गए। ये तो बहुत ही मामूली क्वेश्चन है, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें किसी भी डिस्कशन की भी जरूरत था, लेकिन आप मेरे भूलेंगे नहीं, जरूर से रिवर एंड बोट के पूरे शॉट को देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पर जरा सा फोकस कीजिए। क्या कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर टू बॉल्स आर थ्रोन हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ पर टॉप पर आ गया और एक ये भी टॉप पर है, दो बॉल एक इस साइड, मैंने एक बॉल को इस साइड पर किया। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, टावर की हाइट नहीं दिया हुआ है और ये ग्राउंड भी आप देख सकते हैं, फिगर में ग्राउंड दिया है। कहता है एट व्हाट टाइम, तो इसमें क्या निकालने के लिए कहता है, किस टाइम पर दोनों वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो एट व्हाट टाइम, व्हेन वी फाइनल, किसका, इसका, वन परपेंडिकुलर वी फाइनल, किसका, टू का, किस टाइम पर, ये कंडीशंस आपको निकालना है। अब आपके लिए क्या कैसा कंडीशंस बनता है कि जब आप इसको यूं फेंके तो ये कैसे जा रहा होगा, गेस कीजिए, ये ऐसे जा रहा होगा, और प्रोजेक्टाइल मोशंस में ये भी कैसे जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा। अब आप सपोज कीजिए ये यहाँ पर, उस दिशा पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज द वी वन, हम इसे डैश कहते हैं, और ये बॉल हॉरिजॉन्टली यहाँ पर जा रहा होगा। जब ये पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन, दोनों वेलोसिटी होते हैं, इसलिए मैंने वी टू डैश दिया। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस साइड और एक इस साइड, और इसी तरह से इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। लेकिन इन दोनों को अगर बढ़ाइए डायरेक्शन, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और यहाँ वाले वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेक कीजिए, एंड लेट अस सपोज दिस मेक्स ए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है कि जब ये यहाँ पर पहुँच गए और ये वी टू डैश भी जब बॉल यहाँ पर पहुँच गए तो दोनों 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये टाइमिंग कितना लगा, कहाँ की टाइमिंग से, इस टाइमिंग से, व्हेन टाइम टी इक्वल टू जीरो, और इस टाइम को, और ये दोनों बॉल एक ही समय पर पहुँचा है, वो टाइम क्या होगा, किसके किसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, वी वन वी टू एंड टाइम, ऑफकोर्स जी विल बी इन्वॉल्व। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के वेलोसिटी चूंकि लेफ्ट साइड जा रहे हैं, इसको निगेटिव ले लीजिए, और ये वेलोसिटी राइट साइड जा रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव, तो टेक पॉजिटिव डायरेक्शन राइट साइड, लेफ्ट साइड निगेटिव डायरेक्शन। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि कंसिडर बोथ एज ए पॉजिटिव डाउनवर्ड, दोनों तरफ, क्योंकि मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरी एक आदत सी है और ये मुझे बहुत आसान लगता है कि जिस दिशा में वेलोसिटी हो, मूवमेंट हो, उस दिशा का आप पॉजिटिव साइन उसी ओर ले लीजिए। तो ये बॉल अगर इस साइड जा रहा था तो मैंने इसको पॉजिटिव अगर इस साइड ले लिया तो अब हम बाउंड हो गए कि इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, और दोनों बॉल चूंकि नीचे जा रहा था हमने दोनों को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है ना। व्हाट इज ए वी वन वेलोसिटी, ये वी वन वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर टी टाइम, इसके दो वेलोसिटी होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्स, तो ए एक्स जीरो होता है ना, क्योंकि किसी भी हॉरिजॉन्टल मोशंस में व्हाट इज द एक्सीलरेशन एक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन में जीरो, क्यों, क्योंकि ए वाई ही तो होते हैं जो अंडर नीचे की ओर लगते हैं एंड जी, तो जिस किसी का भी फोर्स या एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा, तो ए एक्स जीरो हो गया। तो क्या इसका वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में चेंज करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है। तो व्हाट इज द वी वन वेलोसिटी, माइनस वी वन डैश मैं ले लूँ वी वन आई, और नीचे कितना गया, टी समय में गया, तो इस दिशा में उसका इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली क्या है, वी वन वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो अब अगर उसकी वाई कंपोनेंट में जाइए, डाउनवर्ड में जाइए, तो वो जीरो है, और टी सेकंड के बाद लेना है तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो है, प्लस ए के जगह पर जी हो गया और टी के जगह पर टी हो गया, एंड दिस इज आई, इसको भी मैं आई कर लीजिए, इसको सॉरी जे करना पड़ेगा ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, जे कर लीजिए। क्लियर कट आपका आइडिया हो गया, भाई ये वाला वी वाई कंपोनेंट हमें चाहिए था और ये वाला हमें चाहिए था वी एक्स, तो वॉट इज ए वी एक्स, माइनस वी वन आई, वॉट इज ए वी वाई, इनिशियली जीरो है, तो जी टी आफ्टर टी टाइम। सिमिलरली वॉट इज द वी टू डैश, अगर उसको लेंगे तो हमने उसकी वेलोसिटी को वी टू दिया है, वो आई हो जाएगा, और चूंकि ये नीचे जा रहा है तो जी टी और जे हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप वी टू को ये माइनस नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, अरे भाई वो तो एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव में जा ही रहा है, उसको क्यों देंगे। नाउ अब आप अगर वेक्टर्स में पढ़े होंगे, मेरे नोट्स को जरूर रिवाइज कीजिएगा, वेक्टर्स का पूरा नोट्स काफ़ी मात्रा में मैंने दे रखा है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो दियर डॉट मस्ट बी जीरो। आप कह रहे हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो इस स्टेज में दोनों के डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, द
दैट मस्ट बी जीरो। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होंगे तो वी वन वी टू को करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी वन इंटू वी टू विथ नेगेटिव साइन प्लस जी और टी को करेंगे तो जी स्क्वायर एंड दिस इज टी स्क्वायर एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब अगर इस लॉजिक से हम टाइम टी की बात करें तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वन वी टू डिवाइडेड बाई जी एंड दिस इज द अंडर रूट, क्योंकि अब टाइम टी स्क्वायर है, ये इसका जी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस को भी देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और आपके रेनफोर्स करेगा आपके जो पढ़ चुके हैं उसको। क्या कहता है कि ए बॉल इज जस्ट ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एंड दिस टावर इज 122.5 मीटर अबव द वाटर लेवल। तो एक बॉल को या स्टोन को आपने ड्रॉप किया, जस्ट ड्रॉप, माइंड इट, जस्ट ड्रॉप, और ये आपको इस 122.5 मीटर को टच करती है एंड अंडर द ग्रेविटी है, और उस ग्रेविटी की वैल्यू नॉर्मली आपको 10 लेते हैं लेकिन यहाँ दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपके सामने क्या आता है कि आप जब ये 122.5 मीटर को ये बॉल जब यहाँ पर टच करता है, आपको इस बात को ध्यान देते हुए कि ये जब भी टच करे तो आपको दूसरा बॉल को फेंकना है, किस स्पीड से फेंकें कि ये दोनों बॉल सेम समय पर टच करे। मतलब अगर इसको यहाँ से यहाँ पर आने में टी समय लगा तो उतना ही टी समय में किस स्पीड से फेंके अंडर द सेम ग्रेविटी कि बोथ रीचेस 122.5 मीटर सिमल्टेनियसली। बात बहुत आसान से आ गया। सबसे पहले क्या निकालना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, अंडर ग्रेविटी 122 मीटर हाइट है तो कितना समय लगेगा, ये तो आप कैसे निकल जाएगा। मैं उसी फॉर्मेट पर चलता हूँ, एस इक्वल टू एस वाई डायरेक्शन में है, यू आई टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। एस वाई आपके सामने दिया हुआ 122.5, इट जस्ट ड्रॉप्ड है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, हाफ जी की वैल्यू 9.8 है एंड दिस इज टी स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो टी इक्वल टू 2 इंटू 122.5 डिवाइडेड बाई 9.8 एंड दिस इज अंडर रूट। इसकी सिंप्लीफिकेशन 5 सेकेंड। तो ये बात तय हो गया कि 5 सेकेंड में ये इसे टच कर लेगा। ठीक है, अब आपको किस स्पीड से फेंकें अंडर ग्रेविटी कि वो भी 5 सेकेंड में ही यहाँ पर पहुँच जाए। टाइम तो फिक्स हो गया, वही टाइम इसको भी पहुँचना है। तो अब की बार क्या कीजिएगा, दूसरे बॉल के लिए एस वाई टू, दूसरे बॉल के लिए यू, अब की बार यहाँ पर यू जीरो था लेकिन अब की बार आप स्पीड दे रहे हैं तो यू इंटू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। टाइम उतना ही आपके पास है, एस वाई क्या है, उतना ही दूरी है, यू आप नहीं जानते लेकिन टाइम आपके पास है 5 प्लस हाफ इंटू जी और कोर्स 10 इंटू टी स्क्वायर। इसमें साइन कन्वेंशन को चेक कर लीजिए, भैया ये बॉल हमने क्या ले लिया, एवरीथिंग गोइंग डाउन एज ए पॉजिटिव, जो मैं आपको सदा कहता हूँ कि जिस दिशा में स्पीड या वेलोसिटी हो वही डायरेक्शन पॉजिटिव को लीजिए, तो डाउनवर्ड। तो ये नीचे गया इसलिए मैंने एस वाई को पॉजिटिव दिया, चूंकि ये नीचे गया इसलिए मैंने यू को भी पॉजिटिव दिया, चूंकि एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए मैंने जी को भी पॉजिटिव, यहाँ मैंने थोड़ा सा 5 का स्क्वायर दे देते। इससे आप अगर यू की वैल्यू निकालते हैं जो दैट इज ए रिक्वायर्ड तो दिस कम्स आउट टू बी 26.1। कैलकुलेशंस करके आप रखें, मैंने करके रखा हुआ है और ये आपको बता सकता हूँ। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहता है कि दो मोशंस को आपको कोरिलेट करना है कि व्हाट इज दियर रेशियो ऑफ दियर वेलोसिटी। एक पार्टिकल्स है जो शुरू के 2 सेकंड में सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है, कितना डिस्टेंस नहीं दिया, और कहता है कि अगले 4 सेकंड में वो सेम डिस्टेंस फिर कवर करता है, उतना ही डिस्टेंस कवर करता है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर वेलोसिटी। इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एस और टाइम यहाँ पर 2 सेकंड है। दूसरी बात क्या कहता है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट से उसी पोजीशन से घटते हुए वो डिस्टेंस को जीरो आ जाता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट को जीरो आ जाता है, लेकिन अब की बार उसे 6 नहीं बल्कि 4 सेकंड लगता है, एस बाई 4। तो व्हाट इज दियर रेशियो, 2:1 एंड सो द आंसर। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, 2013 की क्वेश्चन से कहता है ए बॉडी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक, अंडर ग्रेविटी वाली बात नहीं है, अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेम बॉडी ट्रेवल ड्यूरिंग द एनथ मतलब अंतिम के 1 सेकंड में टू द एन सेकंड मतलब टोटल टाइम में। ठीक हो गया, तो एनथ का मतलब हो जाता है लास्ट के 1 सेकंड में। आइए, ये डेरिवेशन आपने पढ़े होंगे, हम आपको पढ़ाए भी हैं, डिराइव भी किए हैं,
कि एस एन एथ क्या होता है, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इंटू एन एथ, मतलब अंत के एक सेकंड में जो दूरी तय की गई वो है, जहां एन क्या है टोटल टाइम, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन। यस, यहां पर इस केस में एस एन एथ का रेशियो पूछेगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ए बाई टू एंड दिस इज टू एन माइनस वन, वन हो गया। अब कहता है एस एन मतलब जनरल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना में कवर करेगा, जब एन टाइम पर टोटल डिस्टेंस कितना करेगा, तो यू इंटू एन प्लस हाफ ए इंटू टाइम का स्क्वायर, दैट इज एन का। यहाँ भी इनिशियल जीरो ही है ना, क्योंकि आपको तो वही कंसिडर करना है, तो अब क्या हो जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर एंड दिस इज टू। पूछता है वॉट इज द रेशियो, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, तो एस एन एथ डिवाइडेड बाई एस एन, एस एन एथ लेते हैं तो ए बाई टू, ए बाई टू दोनों कटेगा, अब आपके पास क्या आ गया एन स्क्वायर, ए बाई टू यहाँ भी है और ए बाई टू यहाँ भी है, संयोग से दोनों सेम आता हुआ। अगर इस दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, टू बाई एन माइनस वन बाई एन स्क्वायर, एन से एन कटेगा टू बचेगा, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आप ध्यान से देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं। कहता है रॉकेट इज जस्ट फायर्ड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इस रॉकेट का मैंने कितना ले लिया जीरो, विथ एन एक्सीलरेशन 9.19.6 मीटर पर सेकेंड, तो उसके जो गैस एग्जॉस्ट निकलते हैं उसके कारण अपथ्रस्ट फोर्स लगा और उसके कारण जो उस पर एक्सीलरेशन आया वो 19.6 है, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 9.8, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए वॉट इज द एक्सीलरेशन इफेक्टिव, दिस मस्ट बी इक्वल टू 19.6 इंटू 9.8 एंड दिस ऑब्वियसली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द अफेक्टिव एक्सीलरेशन, और ये डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड, क्योंकि अपवर्ड लीड करता है इसलिए अपवर्ड हो गया। ओके, नाउ अब कहता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज आफ्टर 5 सेकेंड, द स्विच इज ऑफ। अब मैंने रॉकेट को स्विच ऑफ कर दिया, कितने देर के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड। अब उससे पूछता है कि वॉट इज द मैक्सिमम हाइट डज इट अटेन आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब ये क्या हो गया आफ्टर 5 सेकेंड पर इसको ऑफ कर, अभी तो इनिशियली लिया, यहां पर जब रॉकेट आया उस समय टाइम टी इक्वल टू क्या हो गया 5 सेकेंड, तो ये कुछ डिस्टेंस तो कवर कर ही लिया होगा ना यहाँ से यहाँ तक में, इस डिस्टेंस को आप h1 मान लो, यहाँ पर स्विच ऑफ कर दिए तो ये वेलोसिटी थोड़ी खत्म हो गया, स्विच ऑफ किए तो क्या हो गया एक्सीलरेशन जीरो, गैस से निकलना बंद हो गया उसलिए एक्सीलरेशन जीरो हो गया, तो भी यहाँ के बाद से क्या हो जाएगा अपवर्ड हो जाएगा, और यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी डाउनवर्ड। आप डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, याद कीजिएगा मैं आपको जो बोलता हूँ जिधर वेलोसिटी उधर पॉजिटिव, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर स्विच ऑफ कर दिए, गैस निकलना बंद, इसका मतलब अंडर ग्रेविटी वो अब आ गया, तो ए इक्वल टू जीरो, और फाइनली क्या करेगा ये रॉकेट, अब तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा ही क्योंकि अंडर ग्रेविटी है, तो वी फाइनली इक्वल टू जीरो और उस हाइट को एच टू मान लें। तो अब आपका टोटल हाइट निकालना है कि जमीन से वो कितना हाइट गया। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, पहला बात में स्टार्टअप है, 5 सेकंड के बाद स्विच ऑफ है और मैक्सिमम कितना हाइट जाता है। सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड अंडर द एक्सीलरेशंस, तो दिस के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा वेलोसिटी, जबकि वो कितना दूरी तय करना है आपके पास, ये निकालना है h डिस्टेंस कितना होगा, तो दो चीज़ निकालना है, यहाँ पर का वेलोसिटी क्या होगा और यहाँ पर का हाइट क्या होगा। सबसे पहले वेलोसिटी की चर्चा करें, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस a इंटू टी, u आपके पास दिया हुआ है जीरो है, एक्सीलरेशन आपने डिफरेंस ले लिया 9.8 एंड टाइमिंग आपको दिया हुआ 5, इससे आपकी वेलोसिटी निकल गई, दिस इज 49 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास क्या है कि भाई ये डिस्टेंस मैंने कितना कवर कर लिया, तो ये भी निकाल सकते हैं, कैसे, h1 इक्वल टू यू टी वाला जीरो पोर्शन हो जाएगा हाफ g, आपके पास 9.8 ही लेना है एंड दिस इज 25 का स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यूज आपके पास आ जाएगा इंटू 25, ये h1 आ गया। अब आइए, अब मेरे पास क्या है, अगर इसको हम लोग गुना करें तो कितना आ जाएगा 122.5 मीटर, मल्टीप्लाई कीजिए ये आंसर आ गया। अब प्रश्न है कि h1 तो निकल गया, भैया मेरा h2 कितना होगा, क्या करें, यहाँ पर का वेलोसिटी मालूम है, यहाँ पर का वेलोसिटी मालूम है, अंडर ग्रेविटी h2 क्या होगा, सिंपल टास्क है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, v फाइनल का स्क्वायर
कौन सा फॉर्मूला, वी इनिशियल का स्क्वायर टू एक्सीलरेशन एन एच टू आई, वी फाइनल बच्चे लोग जीरो हैं, यू इनिशियल कितना है वही तो 49 का स्क्वायर हो गया, तो दिस 49 का स्क्वायर हो गया प्लस टू, अब की बार तो आप ग्रेविटी के चक्कर में पड़ गए हैं तो 9.8 और एच टू कितना हो गया, जब आप इसको एच टू को कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज 122.5 वन सेकेंड, तो दोनों का हाइट सेम आ गया, इसलिए वॉट इज द टोटल हाइट 245 मीटर एंड दिस इज योर आंसर्स। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसे काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें जो इन्वॉल्व्स होंगे वो क्या क्या कहता है, कहता है इसमें कि ए बिलून इज ए राइजिंग अप विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट लेता है तो उसकी इनिशियल जीरो लेना ही पड़ता है, एंड दिस टाइम द नेट एक्सीलरेशन अपवर्ड है g/8, यहाँ पर ये नहीं लीजिएगा कि g/8 में से माइनस जी घटाएंगे, ना, आपको कहता है दिस एक्सीलरेटिंग अप, सिर्फ एक्सीलरेटिंग अप, और वो कितना एक्सीलरेशन है g/8 है, कहता है h हाइट जाने के बाद एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, तो पूछता है कि ये स्टोन जमीन पर कब पुनः आ जाएगा, मतलब उसी हाइट पर कब आ जाएगा, जहाँ से बैलून की ये लेवल ले लीजिए बैलून का, उस हाइट तक बैलून पर आने में उसको कितना वक्त लगेगा, मतलब उसी एच को कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर क्या क्या आपकी फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा, ए बैलून स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट एक्सीलरेट्स एंड आफ्टर एच डिस्टेंस, तो निकाल लीजिए ना कि एच डिस्टेंस के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, वॉट इज ए वी स्क्वायर आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस, तो 2g और ये एच हो जाएगा, यहाँ पर का वी स्क्वायर आपको ये निकालना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है 2g के जगह पर, यहाँ g नहीं है, यही मिस्टेक ना हो जाए, g के जगह पर g/8 है, अंडर कंट्रोल कंडीशंस हैं, एंड दिस एच ऑफकोर्स एच आपका डेटा दिया हुआ है, इससे आपके पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी, gh डिवाइडेड बाई 2, 4 हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये निकल गया। अब कहता है स्टोन इज जस्ट रिलीज, यहीं पर कॉन्सेप्ट है, अब आप स्टोन का ये बैलून का दोनों का तो स्पीड सेम था, और बैलून का स्पीड कितना पकड़ चुका था, √gh/2, तो उस समय स्टोन का भी कितना स्पोर्ट था, √gh/2, और उस समय स्टोन के मूवमेंट की डायरेक्शन भी कितना था, यही वेलोसिटी था, तो यहाँ पर gh/2 उस स्टोन का वेलोसिटी अप डायरेक्शन में था, और मैंने आपको बताया मैं साइन कन्वेंशन कहाँ पढ़ लेता हूँ, जो मूवमेंट की दिशा इनिशियल रहती है वही डायरेक्शन, इसका मतलब हो गया टेक अप एज ए पॉजिटिव एंड टेक डाउन एज ए निगेटिव, आप इसको अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन चलिए हम और आपका ट्यूनिंग बना लें ताकि हर प्रॉब्लम में हमें सोचना ना पड़े, तो ये ट्यूनिंग क्या हो गया कि भैया जिस दिशा में बॉल जाएगा, बॉल नीचे नहीं गिरेगा, या स्टोन नीचे नहीं गिरेगा, क्यों नहीं नीचे गिरेगा, कि इनिशियल वेलोसिटी बॉल का वही है जो बैलून का था, और इनिशियल तो उस समय भी था जो कि √2gh/2 है। अब आइए इसकी बैलून की यहाँ पर ये बॉल यहाँ पर है, या आपके पास स्टोन यहाँ पर है, और स्टोन गिरेगा कहाँ पर, नीचे में, इनिशियल यहाँ पर, फाइनल यहाँ पर, लेकिन कुछ दूरी तक के लिए ऊपर भी जाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, यही स्टोन ऊपर जाएगा एंड देन इट रिटर्न्स बैक, यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट तो कैंसिल हो गया, जितना ऊपर गया उतना नीचे, इनिशियल और फाइनल, तो ये वाला आपका स्थान इनिशियल हो गया और ये स्थान फाइनल हो गया, सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ऊपर मत देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे गया या ऊपर गया, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर गया, और नीचे जाने वाले को निगेटिव लेंगे, तो अब आप आ जाइए फॉर्मूला लगाइए, SY = UYT + ½ अंडर ग्रेविटी इस बार जा रहा है, क्योंकि g/8 की मामला खत्म हो गया, वो तो बैलून के साथ जा रहा था, अब वो बैलून से बाहर आ गया, अंडर ग्रेविटी में है, तो व्हाट इज ए SY, दिस इज ए -h, ठीक है, व्हाट इज ए UY, इनिशियल वेलोसिटी तो यही हो जाएगा, दैट इज gh अंडर √2, टाइम t, अरे भाई यही तो निकालना है, चलिए हाफ g के जगह पर मैं g ही रहने देता हूँ, क्योंकि g के टर्म में ही आंसर लिख देंगे, और टी, क्योंकि जी के टर्म में ही आंसर पूछा भी गया है, और टी स्क्वायर हो गया, ये फॉर्मेट तो आप अच्छी तरह समझ गए, अब मैं क्या करूँ, इस पूरे सेटअप को इस साइड लेते आइए, तो क्या हो जाएगा gt² / 2, हाफ gt², इसको भी इस साइड लेते आइए, क्या हो जाएगा gh t / 2, और ये बेचारा तो खुद इस साइड है ही, तो माइनस है, एंड दिस मस्ट इक्वल टू 0, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब क्या हो गया gt² - gh t - 2h = 0, अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, किस फॉर्म में,
एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स सॉरी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लय के मुताबिक टी के दो वैल्यू आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएगा, माइनस बी ए एक्स स्क्वायर है तो ये बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एच, माइनस बी का माइनस साइन हट गया, प्लस माइनस ओके बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ये वैल्यू आ गया तो जी एच, माइनस फोर ए सी, माइनस फोर ए के जगह पर जी और इसके जगह पर टू एच, माइनस यहाँ पर फोर छूट गया ना, फोर से प्लस फोर ए सी है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो फोर ए इंटू सी यस करेक्ट डिवाइडेड बाई टू एंड देन ए, व्हाट इज ए जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं, आप यहां पर आ जाइए, फोर टू जे एट और एक ये नाइन, नाइन जी एच मतलब ये आ गया जी एच प्लस माइनस, ये नाइन हो जाएगा तो थ्री हो जाएगा, थ्री जी एच डिवाइडेड बाई टू जी एच, ये थ्री माइनस साइन को छोड़ दिए, निगेटिव टाइम तो आएगा नहीं, पॉजिटिव ही लेना है, तो थ्री और ये जी पूरा हो जाएगा फोर, फोर से ये टू कटेगा, अब आपके पास क्या आ जाएगा टू एच बाई जी अंडर रूट, सो दिस इज द वैल्यू, सो टू टू अंडर रूट एच बाई जी इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम पर फोकस कीजिए, 2019 के क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट किया, लेट अस सपोज दैट टाइम टी इक्वल टू जीरो एंड इट स्टार्ट्स है, एस पोजिशन ले लीजिए, एस इक्वल टू जीरो, इट मूव्स इन ए ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये 45 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट में जाता है और 6 किलोमीटर ट्रेवल करता है, आफ्टर ट्रेवलिंग 6 किलोमीटर इट टू के टर्न, किधर से लिया, आपके साथ देख सकते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन से टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में 135 डिग्री पर यह एंगल बना लिया, तो कहता है इट मूव्स बाई एन एंगल ऑफ 135 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ एंड देन इट मूव 4 किलोमीटर, मतलब ए आ गया बी आ गया और फाइनली ये सी आ गया, तो पूछता है कि व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द शॉर्टेस्ट लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो चीज पूछता है, तो ये तो अपने आप में ही बहुत आसान हो गया, इसे आप वेक्टर तरीका से बनाइए और कंपोनेंट्स ले लीजिए, लेट अस सपोज मैं इसमें लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट एस, अब इस डिस्प्लेसमेंट एस के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसके दो कंपोनेंट लीजिए, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, तो 6 किलोमीटर एंड दिस इज cos 45, सिंपल लॉजिक, और ये इस डायरेक्शन को i मान लीजिए और नॉर्थ डायरेक्शन को आप j मान लीजिए, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर i दे दिए, इसके साथ साथ ये दूसरे क्वाड्रेंट में भी गया, वो कितना गया है 6 sin 45 डिग्री एंड j क्वाड्रेंट, ये इसका फर्स्ट वेक्टर आ गया, अब उसके बाद इसका दूसरा वेक्टर कितना आ गया, ये 135 है बच्चे लोग, तो ये वाला 90 हो गया और ये भी एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, अब इसका x माइनस में आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 45 है तो फिर एक बार आएगा cos 45 डिग्री, और वो एक बार i निगेटिव है इसलिए निगेटिव को मैंने दे दिया, और y डायरेक्शन में भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 sin 45 डिग्री एंड j, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या आ गया, दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इस दोनों को कर लेंगे तो बच्चे लोग क्या आ जाएगा 2 cos 45 इक्वल टू 1 बाई रूट 2 आई, और ये हो जाएगा 6 10 रूट 45 बच्चे लोग 1 बाई रूट जी, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट पोजिशन, इसे मैं और भी लिख सकता हूँ सिंप्लीफाइड रूट 2 आई, और इसे मैं लिख सकता हूँ 5 रूट 2 जे मीटर, ऑफकोर्स मीटर में ही देना है चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ तक बच्चे आप समझ में आ गए। अब आपसे पूछता है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन ज्वाइनिंग बाय द स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन ए वेक्टर फॉर्म, तो ये तो आंसर आ गया, लेकिन अगर इसकी मैग्नीट्यूड कहें तो कितना हो जाएगा, सिंपल 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 का स्क्वायर एंड दैट इज अंडर रूट, ये आप जानते होंगे कि किसी भी वैक्टर के जो कोएफिशिएंट दिए रहते हैं मॉड लेने पर उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 15 ये 2 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 52 अंडर रूट हो जाएगा, ये तो उसकी हो गई। नाउ व्हाट अबाउट दिस डायरेक्शन, अगर मैं इसके अल्फा मान लूँ तो ये अल्फा क्या हो जाएंगे, आप हमेशा याद रखिएगा वेक्टर में कि दिस इज द सम ऑफ द वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, तो वाई कितना है 5 रूट 2, हम किस चीज़ को लेंगे एस वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स लेंगे, एक्स वाई क्या हो गया 5 रूट 2 और ये वाला रूट 2 हो गया, ये दोनों रूट 2 कट गया, आंसर 5 आ गया, इसलिए व्हाट अबाउट अल्फा,
tan inverse 5। और ये अल्फा किस डायरेक्शन से बना रहा है बच्चे लोग, फ्रॉम ईस्ट है, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम ईस्ट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं, कैटेगरी इसकी अच्छी है। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट, 2007 के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसमें कोई डिस्कशंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ। ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए एक्स वाई प्लेन, तो ये प्लेनर मोशंस हो गए, सच दैट एट टाइम टी इक्वल टू एट 0 0 पोजिशंस हो गए, यस, एंड आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ ए टाइम इट्स कोऑर्डिनेट इज फाउंड टू बी रूट 3 3, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट रूट 3 मीटर एंड वाई कोऑर्डिनेट 3 मीटर है। तो आपसे पूछता है कि वॉट इज द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शंस, अब ये थीटा क्या हो गया, तो ये तो अपने आप में बहुत ही आसान से बच्चे लोग, व्हाट अबाउट दिस हाइट, दिस इज द 3 वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और व्हाट इज दिस, रूट 3, सो व्हाट इज टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 3 / √3, ऑब्वियसली इट इज √3, ऑब्वियसली इट इज टेन 60 डिग्री, एंड देन व्हाट अबाउट अल्फा, दैट इज 60 डिग्री, ये किस डायरेक्शन से हो जाएंगे, एक्स डायरेक्शन से 60 डिग्री बनाता हुआ उसकी पोजिशन। यस माई डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त भी हमारे पास जो क्वेश्चन है एम 2001 की है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा था इसमें। क्या क्वेश्चन पूछा कि लेट अस सपोज ए स्टार्ट्स एट टाइम टी इक्वल टू 0, यहाँ से ये बॉडी का नाम है ए, एंड इट स्टार्ट्स एट टाइम टी इक्वल टू 0, ओके, विथ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, इसकी एक्सीलरेशन से कॉन्स्टेंट और वो एक्सीलरेशन से A1, एंड इट मूव्स फॉर 5 सेकेंड, ओके, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड गुजर गया, लेकिन इसी जगह से 2 सेकेंड गुजर गया लेकिन स्थान वही है, ए बी पार्टिकल या बी बॉडी अगेन स्टार्ट्स विथ 0 स्पीड विद द सेम, नॉट सेम, विद डिफरेंट एक्सीलरेशन अलोंग द सेम लाइन, एंड इट वॉज फाउंड ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ द ए जर्नी, माइंड इट, ड्यूरिंग द 5th सेकेंड फ्रॉम द ए जर्नी बोथ ट्रैवर्स और बोथ ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या कहता है कि भाई दोनों ने अंत के 5 सेकेंड में, मतलब ए का 5th सेकेंड था, ऑटोमेटिक इसके लिए कितना हो जाएगा, इसका जो nth टाइम है वो 5th सेकेंड है, तो ये 2 सेकेंड के बाद स्टार्ट किया था, ये कब स्टार्ट किया, t-2, अगर उसका टाइमिंग को t ले लिया जाए तो ये t-2 है, तो ये 5 हो गया, तो इसके लिए इसको कितना मौका मिला होगा, इसके nth कितना मिला, अगर इसके nth में 5 सेकेंड पर अंतिम के 5 सेकेंड में, तो ये तो अपनी जर्नी के अंतिम 3 सेकेंड में एक डिस्टेंस तय किया, लेट अस सपोज एस nth, तो ये भी एस nth ही तय किया, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ आर सेम, मतलब ए के अपने 5वें सेकेंड में जो डिस्टेंस तय किया, बी ने अपने 3rd सेकेंड में सेम डिस्टेंस तय किया, हालांकि ये वर्ड 3rd सेकेंड का नहीं दिया हुआ है, लेकिन 2 सेकेंड डिले का, 5 में से 2 अगर घटा दें तो 3rd आता है, एंड बोथ स्टार्टेड विद सेम इनिशियल स्पीड यू इक्वल टू 0। तो अब अगर हम ये ले लें फॉर ए केस के लिए, व्हाट इज ए एस nth, तो दिस इज यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1, बेसिक फॉर्मूला है ये, है ना, ये फॉर्मूला आप लोगों को भी याद, नाउ एस nth जो भी होगा इक्वालिटी में आ जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सीलरेशन A1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 5-1, इसको अगर सिंप्लीफाई करें एस nth किसके लिए, ए के लिए, इज इक्वल टू A1/2, और इसे बेटर 9A1/2 कर दे, 10-1 9A1/2। सिमिलरली अगर मैं उसी फॉर्मूला का दोबारा इस्तेमाल करूं फॉर बी पार्टिकल या बी बॉडी के लिए, अब क्या हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन A2 है इसका, है ना, लेकिन टाइमिंग इसको कितना मिलेगा, 3 सेकेंड का मिलेगा, वेरी फाइन, और अब अंतिम के ये 3rd सेकेंड एक्चुअली अगर बी के ध्यान से लिया जाए तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, A2/2 6.5 ले लेंगे इसे। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ A1 एंड AB निकालना है आपको, लेकिन ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, NA1/2 दिस मस्ट बी इक्वल टू 5A2/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए A1/A2 इक्वल टू 5/9, एंड इफ ऑब्वियसली इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A1:A2 इज इक्वल टू 5:9, एंड सो द आंसर इज,
नेक्स्ट यस माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा जरा क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। कहता है कि ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ऑफ हाइट एच। किसी टावर को ये देखिए फिगर, एक टावर है, इसकी हाइट एच है और यहाँ से एक बॉडी को ड्रॉप किया गया है। लेट अस सपोज द टाइम वॉज जीरो, उस समय टाइम जीरो था, एंड इट टुक टी टाइम टू रीच एट दिस पोजिशन, और यहाँ तक आने में उसे टी समय लगता है। ओके, नाउ पूछता है कि वॉट हाइट इट हैड कवर्ड, वह कितना हाइट को कवर किया था ड्यूरिंग हाफ ऑफ इट्स टाइम, दैट इज ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ टी बाई टू। यस, चलिए मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। सबसे पहले इस एच हाइट को तय करने में टी समय लगा, तो आपके पास एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट हैज बीन ड्रॉप जीरो प्लस हाफ अंडर एक्सीलरेशन। और जैसा कि मैं आपके हर बार डिस्कस करता हूँ, जिधर जो वस्तु जाता रहे उसी दिशा को पॉजिटिव लेना चाहिए। तो ये जो स्टोन है या बॉडी है, इट इज सर्टेनली गोइंग डाउन, तो डाउनवर्ड को ही मैंने पॉजिटिव लिया, इसलिए जी की वैल्यूज को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है या निगेटिव नहीं लेंगे। एंड इट कवर ए डिस्टेंस टी बाई टी स्क्वायर, टी टाइम, वेरी फाइन। नाउ पूछता है कि अब ये डिस्टेंस टी बाई टू समय में कितना तय करेगा, एंड लेट अस सपोज दैट डिस्टेंस इज एच, इसी एच को हमें निकालना है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो भी रेस्ट से ही था, क्योंकि उसी पार्टिकल का ना डिस्टेंस निकाल रहे हैं ये, तो वो तो रेस्ट में था ही। अंडर ग्रेविटी था, वो भी जी ही था, लेकिन इस समय उसके पास ट्रैवलिंग टाइम हाफ है, तो टी बाई टू का स्क्वायर करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। अब वो हाइट क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर दें अगर एच डिवाइडेड बाई एच, तो ये आ जाएगा जी बाई फोर टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर और ये फोर। और नीचे डिवाइड किस चीज़ से करना पड़ेगा, ये वाला आपके पास आ जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा और जी टी स्क्वायर नीचे चला जाएगा। इसमें से कुछ चीज़ कट जाएंगे हमारे पास, ये दोनों कटेगा, टू हो जाएगा फोर, एक यहाँ पर थोड़ा सा एट कर दीजिएगा इसे फोर, और ये भी आपके पास है फोर और टू एट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से कट जाएगा, टू से ये फोर आ जाएगा, टी स्क्वायर ये पूरा कटेगा। सो वॉट इज एच, एच इक्वल टू एच बाई फोर, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गया। लेकिन आपसे पूछता है कि वॉट इज इट्स हाइट फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से हाइट पूछा है, दैट इज ग्राउंड से हाइट पूछा है। सो एच डैश फ्रॉम ग्राउंड से कितना हो जाएगा, तो ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन है ना, कि टोटल हाइट में से इसे अगर माइनस कर दें तो दिस मस्ट बी इक्वल टू एच माइनस एच बाई फोर, एंड सो थ्री एच बाई फोर फ्रॉम ग्राउंड, और ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन से बात करें तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन इज द करेक्ट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, 1990 के वो क्वेश्चन है। क्या कहता है, ए बॉडी इज थ्रोन विथ अ सर्टेन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी नहीं जानते हैं, अपवर्ड्स अंडर ग्रेविटी, ओके, ड्यूरिंग इट्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, अपने वो मैक्सिमम आपके हाइट के आधा में उसकी वेलोसिटी यहाँ दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब उस ऊंचाई का जो वो मैक्सिमम तय करेगा उसकी आधी ऊंचाई पर उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका मतलब हो गया कि टॉप पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, और यहाँ मैक्सिमम हाइट आता है, तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट। अगर ये एच वाई टू उसका हाफ हाइट है तो ये फुल हाइट है। तो पूछता है वॉट इज द मैक्सिमम हाइट। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, दो केस में इसे बांट दीजिए। पहला केस इसे ले लीजिए कि आपने इसे मैक्सिमम हाइट तक गया, तो आपने किस स्पीड से इसे फेंका, लेट अस सपोज इनिशियल स्पीड यू, ये नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, ये कैंसिल भी हो जाता है ऐसे, क्योंकि दो अलग अलग बार रिपीट होगा एक सा इक्वेशन। अब आपके पास क्या हो गया बच्चे ने, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब ये ऊपर जा रहा है ना स्टोन, तो मेरा कन्वेंशन तो आपसे बार बार डिस्कस होता है कि ऊपर जाने वाला को पॉजिटिव ले लेंगे। अब आ जाइए टॉप पर आने के बाद भी फाइनल इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, इनिशियल मैंने खुद ही यू माना है तो यू होगा ही टू, ए के जगह पर अंडर ग्रेविटी है तो माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है और डाउनवर्ड इस समय ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमने पॉजिटिव को ऊपर लिया है, और ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाना है इसका, क्योंकि हम उस हाइट को ले रहे हैं जहाँ पर टॉप पर जाके जीरो होता है, तो उस हाइट पर तो इसका एच ही है ना। इसका मतलब क्या हो गया, वॉट इज द इनिशियल वैल्यू और इनिशियल स्पीड टू जी एच, ये मेरे पास आ गया। नाउ कंसीडर द सेकेंड केस। अब सेकेंड केस का इसमें क्या कहता है कि वो आधा दूरी तय किया और तब वेलोसिटी भी है, तो उस दूरी के लिए एक बार फिर ले लीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास हाइट हो जाएगा h बाई टू है और ये वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो v अब यहाँ पे ले लीजिए सेकेंड केस के लिए, वी स्क्वायर
इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब आइए, व्हाट इज द वेलोसिटी फॉर हाफ जर्नी वाला है ये, हाफ जर्नी, पूरा जर्नी पर नहीं कंसीडर कर रहे हैं, आधी दूरी का, तो उस समय आधी दूरी पर तो इसका 10 का स्क्वायर हो जाएगा और यू स्क्वायर है इसका मतलब वो ऑब्वियसली 2gh हो जाएगा। ये तो पहला वाला केस में आया 2, एक्सीलरेशन क्या है माइनस जी हो जाएगा और हाँ इसकी हाइट क्या है h बाई 2 हो जाएगा और हमें तो h ही तो निकालना है, इससे हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा 2gh माइनस gh मतलब gh और ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। सो व्हाट इज द h 10। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पर भी फोकस कीजिए, 1998 एम्स की क्वेश्चन से क्या कहता है क्वेश्चंस में कि वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए वेरी हाई हाइट दैट इज फ्रॉम ए डैम। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में किया जाता है। कैसे किया जाता है, वाटर को काफ़ी तेज गति से जो टर्बाइन के ब्लेड पर होते हैं उस पर गिराए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है उस पर एक रोटेशनल इफेक्ट आ जाता है एंड बाद में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में उससे इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। लेकिन अभी आपके पास ये है कि ये वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 19.6 मीटर ऑन ए ब्लेड ऑफ ए टर्बाइन और ये डैम से पानी गिर रहा है, तो पूछता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग वाटर ऑन द ब्लेड। तो इसके लिए तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, नॉर्मली यही फॉर्मूला लेते हैं। भी पूछ रहा है अंडर ग्रेविटी है, क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है इसलिए अभी भी मैं इसका कन्वेंशन क्या दूंगा, नीचे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा प्लस जी, क्योंकि नीचे जा रहा है और जी की मैग्नीट्यूड दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है सो के 2, जी की वैल्यू 9.8 है और ये कितना से गिर रहा है 19.6 हो जाएगा, इसलिए व्हाट इज द वेलोसिटी दैट इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो वेरी इजी क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, दरअसल उस क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, कहता है ए कार स्टार्ट्स एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एंड इट अटेन्स वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ 20 सेकेंड। ओके, देन ड्यूरिंग द सेम इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज 20 सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर। कार ने जब टाइम टी इक्वल टू 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एंड द मोशन इज यूनिफॉर्म अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो वॉट इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दिस इज वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। लेकिन यहाँ पर जरा सा स्पीड किलोमीटर पर आवर है तो उसको जरा सा आप चेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी जो आपके पास है 144 किलोमीटर है तो 5/18 हो जाएगा, 18 × 144, 8 × 5 = 40, तो दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। सो वॉट अबाउट द एक्सीलरेशन, 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20, सो द एक्सीलरेशन ऑब्वियसली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे पास ये हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करनी है इन मीटर पर सेकेंड। नाउ द वेरी सिंपल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वॉट इज द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द 20 सेकेंड, सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हाफ एक्सीलरेशन 2 इंटू 20 × 20 एंड दिस इज इक्वल टू 400 मीटर, सो द आंसर इज इट कवर्स 400 मीटर विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन आ गया है, क्या क्वेश्चन आता है कि ए रेन ड्रॉप इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई विथ ए वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन का है 3 किलोमीटर पर आवर, ये ड्रॉप्स रेन का। ओके, ए मैन और बॉय इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर और ये जो पानी है उसके हेड पर गिर रहा है, तो पूछता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय मैन, रनिंग मैन, मूविंग मैन ऑफ द रेन वाटर, ये पूछ रहा है इसमें। तो इसका लॉजिक क्या हो गया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन, तो ये रेन एंड मैन की प्रॉब्लम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी रेन माइनस वेलोसिटी मैन, इसको मैं ऐसे भी बताया था, आप मेरे थ्योरी में चले जाइएगा देखने के लिए, रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स हो गए। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, आपके पास दिया हुआ 3 किलोमीटर, मैन का इस साइड, माइनस का मतलब इस साइड हो जाएगा, तो आपका ये वेलोसिटी हो गया,
ये कौन सा हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन, मैन इस साइड रन कर रहा है, लेकिन उसका निगेटिव लेंगे तो ये कौन सा आ जाएगा, माइनस वी एम। तो अब ये दो वैक्टर हो गए, ये पहला वैक्टर हो गया 3 किलोमीटर और ये दूसरा किलोमीटर हो गया 4 किलोमीटर। इन दोनों वैक्टर्स का अगर आप लेंगे, ये फर्स्ट वैक्टर, ये निगेटिव सेकेंड वैक्टर, तो रेन उसको इस तरफ से आता हुआ दिखाई देगा। एंड वॉट अबाउट दिस, अब हम लोग इसकी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व बाई मैम, एंड दिस इज इक्वल टू, ये दोनों का पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो दिस इज वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, निगेटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, एंड सो द आंसर, सो दिस इज द 9 and 16, ऑब्वियसली 5 किलोमीटर पर आवर। और इसको डायरेक्शन किधर आता हुआ दिखाई देगा, अपने फ्रंट पोर्शंस पर आता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए यहाँ पर मैन है, तो ये उसको चलते हुए में रेन अपने तरफ आता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पर जरा से देखिए, 2080 एमसीए क्वेश्चन आया था, ये ग्राफ के ऊपर आधारित, और ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं। ये ग्राफ किस चीज़ के दिया हुआ, वेलोसिटी एंड पोजीशन। कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आप देख सकते हैं, वेलोसिटी लगातार कर रहा है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा है, मतलब समय के साथ, क्योंकि पोजीशन अगर चेंज करेगा तो टाइम चेंज करेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी लगातार पोजीशन के साथ डिक्रीज करते जा। यस, इसमें हमारे लिए दे रहा है कि एक्सीलरेशन और पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब मैं इसे कैसे प्लॉट करूं, तो इसके लिए आपका एक सबसे बेस्ट तरीका है कि जो दिया हुआ है उसको जरा इक्वेशंस लिखने की कोशिश कीजिए। किस चीज़ के बीच में दिया हुआ है, वेलोसिटी एंड पोजीशन एक्स, और उसका इक्वेशंस को लिखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो आप देख ही रहे हैं, तो सबसे पहले उसे स्ट्रेट लाइन को लिखने की कोशिश कीजिए। तो कौन सा स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, वी इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, ऐसे करके लिखिएगा, एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का हो गया। किसके किसके बीच की इक्वेशन लिखने की ट्राई करेंगे, वी और एक्स के बीच में, क्योंकि ये वेलोसिटी वी है और ये तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है और ये भी कांस्टेंट पोजीशन है, अदरवाइज वेरिएबल में एक्स आता है। एम क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन है, एम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, और ये स्लोप क्या है, निगेटिव स्लोप है। आप देख सकते हैं इस तरह के डायरेक्शन, जो अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है लाइन से, तो वो आपका निगेटिव स्लोप हो गया। और ये स्लोप कितना हो जाएगा, दिस डिवाइड, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, इसी एंगल से निकाल लीजिए, तो दिस इज वी नॉट माइनस जीरो और यहाँ पर एक्स नॉट माइनस जीरो, तो ये स्लोप क्या हो गया, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, निगेटिव इसलिए कि इसकी नेचर निगेटिव है, और ये वेरिएबल पर आ जाइए तो ये एक्स हो जाएगा, और सी क्या होता है, इंटरसेप्ट, तो ये इसकी इंटरसेप्ट क्या है, वो आप देख सकते हैं, मैक्सिमम इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस पर जो कट मारता है वो वी नॉट है। तो दिस इज द इक्वेशंस, किसकी इक्वेशंस हो गया, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी और पोजीशन का सबसे पहला आप इक्वेशंस लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, किसकी प्लॉटिंग कहा गया है, एक्सीलरेशन और पोजीशन की। जब भी आपको वेलोसिटी दे दे और एक्सीलरेशन पूछता हो तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसकी टाइम के साथ अगर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन विथ टाइम, ये तो कॉन्स्टेंट है स्लोप का, तो वी नॉट और एक्स नॉट तो वेरी नहीं करेगा, और यहाँ पर एक्स है ना, तो इसे डी एक्स बाई डी टी से करेंगे, पोजिशंस हो जाएगा, और ये चूंकि वी नॉट कॉन्स्टेंट है, किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यस, नाउ दिस बिकम्स एक्सीलरेशन, व्हाट इज दिस एक्सीलरेशन, वी नॉट और एक्स नॉट हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग जानते हैं वेलोसिटी हो जाएगा। अब अगर इसकी प्लॉटिंग करें तो ये कैसा आ जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, ये पोजीशंस हो गए, और अगर भी की बात करें तो भी तो आपके पास ऑलरेडी निकला हुआ, यही इक्वेशंस हो जाएगा, तो अब इसके जगह पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे को, वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये इक्वेशंस क्या हो जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएंगे, तो दिस इज वी नॉट स्क्वायर एंड एक्स नॉट स्क्वायर, और अगर इसके बाद का इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, एंड दिस इज इक्वल टू वी नॉट एक्स नॉट, और यहाँ पर एक x मेरा मिस कर रहा है, x हो गया, v नॉट और v नॉट स्क्वायर एंड x नॉट हो जाएगा, ये मेरे पास आ गया विथ निगेटिव साइंस हो गया, एंड दिस इज द एक्सीलरेशन। अब अगर बात किया जाए कि भाई एक्सीलरेशन और पोजीशन, तो ये तो इक्वेशन आ ही गया, किसका इक्वेशन है, a और x इक्वेशन है, तो इसको देख के तो कोई भी लोग लिख सकता है, कैसे लिखेगा,
सबसे पहले ए और एक्स की पावर को चेक कीजिए, तो एक्स के पावर कितना है, 1 है, तो इट इज अगेन स्ट्रेट लाइन, ठीक बात है। इंटरसेप्ट को देखते हैं इसमें क्या है, तो निगेटिव इंटरसेप्ट है, और स्लोप को देखते हैं तो पॉजिटिव है। तो वैसा कौन सा बन सकता है जिसकी इंटरसेप्ट आपका निगेटिव हो और स्लोप पॉजिटिव हो, तो ऑब्वियसली ये वाला लाइन होगा, इसमें इंटरसेप्ट निगेटिव हो गया और स्लोप चूंकि आपका ऊपर की ओर उठ रहा है इसलिए पॉजिटिव हो गया, तो चॉइस दिस चॉइस इज द करेक्ट आंसर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एम्स के 2004 में ग्राफिकल क्वेश्चन आया था और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, पूछता है कि अमॉन्ग द गिवन फोर ग्राफ्स जो आपके पास दिए गए हैं, विच इज द रियलिस्टिक मोशन ग्राफ, जो मोशन को शो करते हैं उसमें से रियलिस्टिक कौन हो सकते हैं। लॉजिक क्या होगा कि भाई एक टाइम पर किसी दिए गए स्पेसिफाइड टाइम पर देयर मस्ट बी ए यूनिक वेलोसिटी और यूनिक पोजीशन, तो यहाँ पोजीशन नहीं है सिर्फ वेलोसिटी और टाइम की है, तो किसी दिए गए समय पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी होना चाहिए। अब आप यहाँ से उठा लीजिए, अगर आप इस पोजीशन से लेते हैं इस यूनिक टाइम को, तो इसके देखिए कई पोजीशन, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो 3 डिफरेंट पोजीशंस आ गया, एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट, तो ये 3 डिफरेंट पोजीशन थोड़ी हो सकता है मौसम में, इसलिए ये ग्राफ फेल कर गया। अगर इस पॉइंट पर से उठा लें तो यहाँ से भी 2 डिफरेंट पोजीशंस हो गया, एक पोजीशन यहाँ, हम किस वेलोसिटी को लेंगे, इस वेलोसिटी को लें या इस वेलोसिटी, एक ही टाइम पर दो दो वेलोसिटी बता रहा है, यहाँ एक ही टाइम पर तीन तीन पोल वेलोसिटी बता रहा है, इसलिए नहीं हो सकता है। अगर इस केस में आए तो एक ही टाइम पर दो दो वेलोसिटी बता रहा है, एक ये वेलोसिटी बता रहा है, एक ये वेलोसिटी, ये दोनों नहीं हो सकता है। और अगर इस केस में आए तो किसी भी समय पर एक्सक्लूसिवली 1 वेलोसिटी है, यहाँ पर आ जाइए एक वेलोसिटी है, यहाँ पर आ जाइए एक वेलोसिटी है, सो सी बी चॉइस इज द करेक्ट आंसर। इसके पीछे रीजंस क्या हो गया कि फॉर एवरी टाइम गिवन स्पेसिफाइड टाइम देर इज ए 1 एंड ओनली 1 वेलोसिटी, सो दिस इज द रियलिस्टिक मोशन। और ऐसे मोशंस को हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल में तो देखिएगा साइनोसाइडल ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, उस ग्राफ पर भी देखिए, मैंने बोर्ड पर आ दिया, डिस्कशन से यहीं पर करता हूं आपके साथ में। कहता है बॉडी स्टार्ट्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, स्टार्ट से तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। इस कंडीशंस के लिए, इस रियलिस्टिक कंडीशंस के लिए कौन सा वेलोसिटी एंड पोजीशन ग्राफ हो सकता है, मतलब वेलोसिटी एंड पोजीशन ग्राफ आपको बताना है। अब आपके पास एक इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए एस हो गया, इसका मतलब वी इक्वल टू हो गया 2 ए एस अंडर रूट हो गया, तो दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो रूट 2 ए और एस की वैल्यू को भी अलग कर दिया जाए, तो ये जो रूट 2 ए है इट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे कि ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया। अब क्या हो गया, वी इज इक्वल टू कांस्टेंट के एंड रूट एस हो गया, इसकी ग्राफ प्लॉट करना है। ये कैसा होता है, स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट की ग्राफ को कैसे एनालाइज किया जाए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो वी स्क्वायर के कांस्टेंट का स्क्वायर के ही रह जाएगा और ये एस हो गया, दिस इज द पैराबोला, पैराबोलिक हो गया। अब इस ग्राफ के बारे में हम कैसे प्लॉट करेंगे, इसमें से कौन होगा, तो दो जो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है ये और ये इमीडिएटली कैंसिल हो गया, इसकी तो कोई अब रही नहीं गया, ये दोनों पैराबोलिक कर्व है तो पैराबोलिक हो सकता है, लेकिन इस दोनों को कैसे हम समझें कि मेरे पास कौन सा ग्राफ आएगा, अब आप आ जाइए। अब आप वी को एक पॉजिटिव वैल्यू लीजिए और वी का नेगेटिव वैल्यू लीजिए, जब आप वी की पॉजिटिव वैल्यू और वी की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशंस क्या आ जाएगा, वी को पॉजिटिव का स्क्वायर कीजिएगा तो भी एस पॉजिटिव आएगा, और वी अगर नेगेटिव और उस नेगेटिव का भी स्क्वायर कीजिएगा तो भी एस हर हालत में पॉजिटिव आएगा, तो वी के पॉजिटिव यहाँ पर ले लीजिए और इसी इक्वेशंस को ऐसे करके ले लीजिए नेगेटिव पर, मतलब मैंने वी के दो पोजीशंस को लिया, यहाँ पर वी लिया पॉजिटिव, देखिएगा ध्यान से, इस जगह पर वी को मैंने पॉजिटिव लिया और इस जगह पर वी को मैंने नेगेटिव भी लिया, लेकिन दोनों ही हालत में हमारा इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, एस हमेशा पॉजिटिव इधर नहीं जा रहा पीछे की ओर, तो एस मेरा पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ हो जाएगा, वास्तव में ये पैराबोलिक ग्राफ है सिमेट्रिकल विद एक्स एक्सिस, तो यही आधा पार्ट आपका दिया हुआ है और आधा नहीं दिया हुआ है, ये पार्ट सही हो जाएगा, और ये पार्ट अगर देंगे तो क्या ये सही हो सकता है, क्या वेलोसिटी अगर हम पोजीशन को चेंज करें एस प्लस माइनस लें तो वेलोसिटी हमारा सेम साइन पर आए, ये ग्राफ नहीं प्लॉट करता है,
इस ग्राफ को हमारा आराम से प्लॉट करता हुआ कि वी के किसी भी पोजीशन के लिए पॉजिटिव या निगेटिव, एस पॉजिटिव आएगा तो दिस च्वाइस इज द करेक्ट। लेकिन आपके पास आधा ही दिया हुआ है, फिजिक्स में क्या रहता है कि पूरा पैराबोला नहीं ड्रॉ करता है, रियलिस्टिक लेता है कि जहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है इसी को शो कर, जो सिचुएशन है उसी को शो करता है, लेकिन मैथ दोनों तरफ से एनालाइज करता है तो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द रॉन्ग। नेक्स्ट क्या क्वेश्चंस कहता है, 2016 एम्स की क्वेश्चंस है, कहता है टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैंने यहाँ शो किया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू बी। कहता है अगेन द सम ऑफ द टू वेक्टर मैग्नीट्यूड, उसी दो वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एन टाइम्स द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स ए माइनस बी, ये भी कहता है देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, जब भी आपका कभी मॉड दिया हुआ हो, मैं लगातार डिस्कस किया हूँ आपको, नीट वाले भी सेक्शंस में आपको डिफाइन किया था और यहाँ भी बताने जा रहा हूँ, उसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, जैसे ही इस वेक्टर का आप स्क्वायर करते हैं तो मॉड खत्म हो जाएगा और डायरेक्टली स्क्वायर आ जाएगा, और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो ये वेक्टर खत्म हो जाएगा और ये ए माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा, वेक्टर रहेगा लेकिन मॉड साइन फिनिश और ये स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया। अब इसको एक्सपैंड कीजिए, तो एक्सपैंड करेंगे बच्चे लोग तो क्या हो जाएगा, वैक्टर ए का स्क्वायर प्लस वैक्टर बी का स्क्वायर प्लस टू वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी, ये पहला का एक्सपेंशन हो गया, एन स्क्वायर हो गया, इसका भी करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही स्टाइल में, वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी, मल्टीप्लीकेशन में डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, यहाँ तक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे लोग तो क्या होगा, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो ए डॉट ए होता है, और हम जानते हैं कि सेम डॉट उसी चीज़ में रहेगा, मान लीजिए आई डॉट आई रहेगा तो वन हो जाएगा, जे डॉट जे रहेगा तो भी वन हो जाएगा, इसलिए वेक्टर का स्क्वायर करने पर उसकी वेक्टर ख़त्म हो जाती है, और यहाँ भी बी का स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर साइन ख़त्म, यहाँ पर ए बी और इंक्लूडेड एंगल डॉट प्रोडक्ट के रूल्स के मुताबिक हो जाएगा, लेट अस सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और यहाँ भी बच्चे लोग क्या हो जाएगा एन स्क्वायर दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड ऑब्वियसली कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है एंड फाइंड द एंगल। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा को रहने दीजिए, और यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, ए और बी बराबर है उसके मुताबिक से ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग टू ए स्क्वायर, यहाँ भी ए और बी मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये टू ए स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉस थीटा, बी को हटा ही देते बाद में हटाएंगे तो उससे बढ़िया अभी हटा दे, और यहाँ भी क्या हो जाएगा टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर एंड दिस इज कॉस थीटा। अगर बात करें कि इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, तो सब जगह से कैंसिल भी हो जाएगा, अब क्या बचेगा ये 2 बचेगा प्लस 2 कॉस थीटा बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर कैंसिल हुआ है 2 रिमेनिंग है, यहाँ पर भी एन स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस, अब हमारे पास क्या हो जाएगा दोनों तरफ से हम लोग 2 कॉमन ले लें, इसको भी 2 और उस साइड भी 2 कॉमन ले लें, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और इस साइड क्या हो जाएगा एन स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अगर इस साइड लेते हैं तो हमारे पास एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इस साइड आ जाते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं बच्चे लूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा, अब आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज एन स्क्वायर प्लस 1। सो फाइनली अगर मैं कॉस थीटा थीटा की बात करूं तो आप क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड आंसर एन स्क्वायर माइनस 1 एंड एन स्क्वायर प्लस 1 एंड सो द आंसर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को जरा क्वेश्चन फोकस कीजिए, कहता है ए एंड बी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दिस कोएफिशिएंट के आगे जो मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट है अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहता है ए इज परपेंडिकुलर टू बी दिस इज द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अगर दो वैक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या कहता है, दियर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो इफ द टू वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब अगर इस रूल्स को फॉलो किया जाए
तो i डॉट i हम लोग पहले से जानते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, i डॉट i इक्वल टू 1, j डॉट j इक्वल टू 1 एंड k डॉट k इज इक्वल टू 1, और अगर इसके अपोजिट में कोई भी रहेगा तो वो सारे जीरो हो जाते हैं। ये मैंने आपको रूल्स में लिख दिया है, वेक्टर में चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ ये दोनों है 2 और ये i, तो माइनस 8 आई स्क्वायर ऑब्वियसली 1 हो गया। j ले लीजिए 4 और 3 12, क्योंकि j एक यहाँ यहाँ 4 3 जै 12 और ये भी 1 हो गया, और ये k ले लीजिए तो दिस इज 8 इंटू अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ तो इसमें बेशक यही होगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और उस साइड चला जाएगा तो माइनस 8 अल्फा हो जाएगा। सो व्हाट इज द अल्फा, दिस इज द माइनस हाफ। सो द आंसर इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी चॉइस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा, कहता है कि देर आर टू वैक्टर्स पी एंड क्यू एंड डिटेलिंग इसका दिया हुआ है, आई जे के आर कॉल्ड यूनिट वैक्टर्स हैं, कोएफिशिएंट में ए है 3 है, कोएफिशिएंट में ए -2 और -1 है। कहता है दीज टू वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो जस्ट पिछले सवालों जैसा ही हो गया, दो वैक्टर परपेंडिकुलर हैं, उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो दियर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और उसमें भी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए कहता है क्वेश्चन में, क्या कहता है कि वॉट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए अगर ये डॉट प्रोडक्ट में 0 है या दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चे लोग क्या हो गया, ए स्क्वायर -2 ए एंड -3 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना है कैसे करें, ए स्क्वायर प्लस ए -3 ए एंड दिस -3 इज इक्वल टू 0, सिंपल। इन दोनों को अगर मैं एडअप लेता हूँ तो ये -2 इक्वल टू 0, इसमें से जो कॉमन है उसे मैं कॉमन ले लूँ तो दिस इज ए +1 है, यहाँ पर अगर मैं कॉमन लूँ तो -3 है और इसमें आ जाएगा a +1 आ जाएगा एंड दैट मस्ट बी 0। अब आपके पास a -3 एंड a +1 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, a के दो वैल्यू आ गए, a इक्वल टू +3 a इक्वल टू -1, सो पूछ रहा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a एंड सो दिस इज द 3 एंड सो द आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पर जरा गौर कीजिए, प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन आया, कहता है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट ट्रेवर्सेस पैराबोलिक पाथ, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, सो वॉट इज द एंगल सो फॉर्म्ड बाई द लाइन ज्वाइनिंग वेन इट रीचेज टू द टॉप पोजिशन, जब वह टॉप पोजिशन पर करता है उस समय इसकी इनिशियल पॉइंट से और उस टॉप पोजिशन की वॉट इज दिस एंगल ऑफ एलिवेशन, लेट अस कॉल दिस एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। ठीक आ गया, तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए टॉप पोजिशन पर पूछ रहा है और आप अगर फेंकते हैं ए से टॉप पोजिशन को अगर पी मान लें और जाता है बी पोजिशन पर है तो दिस डिस्टेंस इज सर्टेनली कॉल हॉरिजॉन्टल रेंज एंड दिस सर्टेनली कॉल एच मैक्सिमम, दैट इज अ मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द जर्नी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये पूछता है कि वॉट इज दिस एंगल अल्फा, मैं अगर टेन अल्फा की प्रयोग करूँ और बाद में इसी से अल्फा निकाल लूँ तो एच मैक्स बाई आर हाफ हो जाएगा, आर बाई टू और ये टू ऊपर आ जाएगा, आर बाई टू लेना है, ये डिस्टेंस कितना है बच्चे लोग, ये आर बाई टू है तो एच मैक्स डिवाइडेड बाई आर बाई टू। यस, नाउ इसे हम लोग बहुत ईजी वे में लिख सकते हैं, वॉट इज एच मैक्स, आपको फॉर्मूला याद होगा यू स्क्वायर दिस इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी, क्लियर है। रेंज का भी फॉर्मूला आपको याद होगा, रेंज की फॉर्मूला क्या होती है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा मतलब टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो ये जी ऊपर चले जाएंगे। अब इसमें से सिंप्लीफाई अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, टू और टू ये वैल्यू कैंसिल हो गया, और वैल्यू क्या हो गया जी और ये जी, और वैल्यू क्या हो गया बच्चे लोग यू स्क्वायर, एक वैल्यू साइन थीटा का ये और एक साइन थीटा का ये हो गया। फाइनली टेन अल्फा की वैल्यू क्या बच जाते हैं, इस अल्फा की वैल्यू करेंगे तो एक साइन थीटा की वैल्यू बच गया, दूसरा क्या बच गया आपको टू बच गया और एक कॉस थीटा बच गया, इस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा एड डिवाइडेड बाई टू हो गया, टेन थीटा, थीटा 60 डिग्री है तो दैट इज रूट 3 बाई टू हो गया, सो वॉट इज द अल्फा टेन इनवर्स रूट 3 बाई टू एंड सो द चॉइस। नेक्स्ट, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशंस का आपके सामने आया, एम्स 2008 में आया,
क्या कहता है कि टू डिफरेंट पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सच दैट देयर इनिशियल वेलोसिटी आर सेम बट दे आर थ्रोन विद टू डिफरेंट एंगल्स एंड इस एंगल पर सेम स्पीड के साथ भी फेंकने पर रेंज सेम है. तो ये बात तो आपको एक बात याद आ जाना चाहिए कि फॉर द रेंज टू बी सेम फॉर द सेम स्पीड द समेशन ऑफ द टू एंगल, अगर मैं पहले को थीटा मान लूँ और दूसरे को 90 माइनस थीटा ले लूँ तो समेशन कितना आ जाएगा 90 डिग्री एंड दिस इज पॉसिबल. तो एक कंडीशन आ जाएगा फॉर द सेम रेंज अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, सो दैट सम ऑफ दिस टू एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री. तो अब मान लिया कि पहले मैंने थीटा से फेंका और दूसरे को 90 माइनस थीटा से फेंका और दोनों ने दो डिफरेंट पाथ को ट्रेवर्स करते हुए आया और दोनों में ही टाइम का अलग अलग लगा, एक में टाइम T1 T2, एक में हाइट, एक में H1 H2. तो हाइट की प्रॉब्लम नहीं है, हाइट की प्रॉब्लम आगे मिलेगी तो डिस्कस करें. T1 क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है और टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारा इक्वेशन मालूम है. क्या इक्वेशन होता है? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी. ओके, नाउ दूसरे टाइम का ले लीजिए, एक और टाइम आगा, उसमें क्या करेंगे बच्चे लोग? आपका स्पीड दोनों का सेम है और यहाँ पर एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दूसरा एंगल आपको कौन सा दे रहा है 90 माइनस थीटा और ये जी. अब दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए T1 into T2. अब क्या हो जाएगा? 2 और 2 4 हो गया, U और U U² हो गया एंड ऑब्वियसली इट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और यहाँ पर आपके पास G² हो गया. अब मैं इसको रेंज के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ आराम से लिख सकता हूँ. 4 को रहने दीजिए, U² साइन थीटा कॉस थीटा को इसका अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 sin θ cos θ, तो एक ले लीजिए 2 और एक ले लीजिए 0. यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे लोग? साइन 2θ और एक में इसमें आ ले जाएगा जी. अब आप इसको चेक कर लीजिए, U² sin 2θ / g रिसफल किया, यहाँ पर का 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो इसके साथ आ गया, एक 2 बच गया और एक जी बच गया और एक जी. तो दिस इज व्हाट 2g और ये फॉर्मेट क्या है? रेंज. अब अगर इसकी इक्वेशंस को मैच कराइए तो क्या हो गया? T1 into T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज एंड सो द आंसर. एक बार एम्स के क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया, बेसिक फंडामेंटल्स पर प्रोजेक्टाइल का मोशन आया. क्या कहता है कि इफ़ ए पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड इट ट्रेवर्सेस ए पैराबोलिक पाथ देन व्हाट इज द वेलोसिटी डायरेक्शन एंड व्हाट इज द एक्सीलरेशन डायरेक्शन एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वैक्टर एंड एक्सीलरेशन वैक्टर? यस, अब आप सबसे टॉप पर आ जाइए तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी के पास सिर्फ एक वेलोसिटी है, Vx, that is a horizontal component of the velocity. क्यों? क्योंकि अब ये ऊपर नहीं जा रहा है तो what is its velocity vector y direction में? That is zero, क्योंकि ये तो top की बात है ना. और acceleration किसी भी position के लिए acceleration downward लगता है, ये projectile motion में हमने पढ़ चुका है कि सिर्फ there is a one and only one acceleration. तो यहाँ पर भी क्या हो गया? Top पर आ जाएंगे. तो अब इस angle को हम लोग क्या कहेंगे? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. तो एट द वेरी टॉप ऑफ द पैराबोलिक पाथ वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल एंड एक्सीलरेशन इज ऑल टाइम डाउनवर्ड एंड सो द एंगल इज 90 डिग्री. अब मैं ये बात भी आपको बता दूं कि ये पैराबोला एक जगह पर आके सर्कल का पार्ट हो जाता है. क्यों हो जाता है सर्कल का पार्ट? कि जिस जगह पर एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी मोशन इज सर्कुलर. तो हर जगह पर पैराबोलिक है लेकिन एक जगह पर टॉप पर आके मोमेंटली थोड़े से समय के लिए ये मोशन आपका सर्कुलर हो जाता है, जो कि पूछा नहीं है. पूछा तो आपको सिर्फ एंगल ही है. नेक्स्ट, जस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल 2001 का क्वेश्चन को चेक कीजिए. क्या कहता है? टू डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स, या कह लीजिए कि कोई भी स्टोन्स को मैं थ्रो करता हूँ सच दैट एट टू डिफरेंट एंगल, एक को 30 डिग्री पर दूसरे को 60 डिग्री पर. जरा दोनों को ऐड करके चेक कर लीजिए, 30 + 60 = 90 डिग्री, मतलब दे मस्ट हैव द सेम रेंज. और यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो गया कि अगर आप 30 और 60 से फेंकते हैं और सेम स्पीड से फेंकते हैं तो दे ऑल्सो बियर द सेम रेंज. अब इस सवाल में पूछता है कि वॉट इज द मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या आएगा? H max 1 / H max 2. एच मैक्स है कॉरस्पॉन्डिंग टू 30 डिग्री ले लीजिए और एच मैक्स जो 2 का लिए हैं, जो टॉप वाला दिया है, लेट अस कंसीडर इट इज 60 डिग्री. अब इसके पूछता है कि रेशियो क्या आएगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया रेशियो में. कैसे? इसकी फॉर्मूला हो जाएगा U²
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और इसके लिए क्या हो जाएगा, u दोनों का सेम ही कह रहा है ना, तो या u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डैश डिवाइडेड बाई 2g। थीटा डैश में 60 डिग्री और थीटा में 30 डिग्री है, बाकी u स्क्वायर 2g और u स्क्वायर 2g कट गया। तो आपके लिए अपने आप में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया कि दोनों का एच मैक्स का जो रेशियो होता है ना वो भी जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके फॉर्मेट में आता है, एक में साइन स्क्वायर थीटा और दूसरे में कितना आता है, साइन स्क्वायर थीटा डेस। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दीजिएगा तो ये 30 डिग्री है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री है, √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का मतलब 3 हो जाएगा, सॉरी 3 नीचे आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, 1:3 आ गया। इसका मतलब H1 to H2 इज इक्वल टू 1:3 हाइट पर आएगा। ये तो वैल्यूज पुट करने पर सीधा आ जाएगा, साइन 60 डिग्री √3/2 है और साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 है और साइन 60 डिग्री √3/2 है। नेक्स्ट कहता है, इस क्वेश्चंस में एम्स 1996 में आए थे, कहता है कि इसमें से 4 स्टेटमेंट्स उन्होंने दे रखा है और कहता है इसमें से बेस्ट सूटेड कौन है या इसमें से कौन करेक्ट है। तो आप जब भी आप किसी चीज़ को फेंकते हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी ये होते हैं, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी यू मेकिंग एन प्रोजेक्शन एंगल थीटा, इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट एंड देन इट रीचेज द, इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या होते हैं कि क्या इसकी स्पीड सेम होता है या चेंज करते जाता है। आप देखिए डायरेक्शन चेंज कर गया, यहाँ पर ये डायरेक्शन हो गया, वेलोसिटी थ्रू आउट वेलोसिटी चेंज करते रहता है, डायरेक्शंस भी और मैग्नीट्यूड भी। तो पहला बात है कि वेलोसिटी और प्रोजेक्शन ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि प्रोजेक्शन के डायरेक्शंस हमेशा चेंज कर रहा है, थीटा का वैल्यू चेंज कर रहा है। नाउ व्हाट अबाउट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जब आप इसे यू से फेंकते हैं तो ये एक कंपोनेंट यू कॉस थीटा दैट इज एक्स कंपोनेंट हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, यू आई इक्वल टू यू साइन कंपोनेंट। मतलब इस स्पीड की जिससे आपने प्रोजेक्शंस को फेंका था, इट विल हैव ए टू डिफरेंट कंपोनेंट, x component in a horizontal direction, y component in a vertical direction. What about the acceleration? Acceleration is always acting downward. What is the a? This is always acting y direction and downward है, अगर downward को negative ले लें तो minus चाहिए है, ठीक हो गया। What is the acceleration along horizontal direction? तो this is minus g and cos 90 degree. Component ले लें अगर, vertical का horizontal component 0, so there is a no acceleration in a horizontal direction. पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेसिस्टेंस को अगर नेगलेक्ट कर दिया जाए तो ए एक्स इज ऑलवेज 0, और यही उसका थीम भी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देर इज ए नो चेंज इन ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, कि ए एक्स इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ए वाई चेंज होगा, यस ए वाई तो हमेशा चेंज होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड कमेगा, नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगा। तो बेस्ट चॉइस क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज वेरिएबल, मतलब ये कॉन्स्टेंट नहीं होते हैं, ये कैंसिल हो गया। ऑल द अबव ये भी नहीं हो सकता है, तो इसका बेस्ट चॉइस क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशंस का एम्स 1998 काफ़ी पुरानी क्वेश्चन है। क्या कहता है कि इफ ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अंडर ग्रेविटी इन सच ए वे दैट रेंज ट्रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज इक्वल टू 3 times द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेंज इज इक्वल टू 3 times ऑफ मैक्सिमम हाइट, देन वॉट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है। ये तो सीधे फॉर्मूला बेस क्वेश्चन हो गया ना, कैसे, रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ/g, सभी लोग जानते हैं। नाउ दिस इज 30, वॉट इज द एच मैक्स, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सिंपल, यू स्क्वायर एंड जी, यू स्क्वायर एंड जी गेटिंग कैंसिल, साइन 2θ सिंपल, 2sin θ इन 2cos θ डिवाइडेड बाई नथिंग, g कैंसिल ऑलरेडी कैंसिल, इज इक्वल टू 3, हम यहाँ पर लिख सकते हैं sin θ इन 2sin θ डिवाइडेड बाई 2, इसलिए कि ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट, इसमें कुछ कैंसिल होगा, यस ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब मैं इसे लिख सकता हूँ tan θ इज इक्वल टू 4/3, और ये एंगल क्या होते हैं, tan 53 डिग्री होते हैं, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, एंड सो द आंसर इज।
चॉइस आपके हाथ में। इस तरह से आपने देखा कि मैंने 25 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे काइनेमेटिक्स के, इंक्लूडिंग वेक्टर, रिलेटिव मोशंस, वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, सभी को मैंने सॉल्व किया आपके साथ डिस्कशंस करते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उन सभी कॉन्सेप्ट्स को जो रिक्वायर्ड था उस क्वेश्चंस के लिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स का रेनफोर्समेंट हो गया। लेकिन इस क्वेश्चंस को पढ़ने के पहले ये जानना जरूरी है कि इसका डिटेल क्या था कॉन्सेप्ट्स। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मेरे जितने भी पिछले वीडियोज़ हैं, जैसे मोशन इन ए लाइन है, मोशन इन ए प्लेन है, सर्कुलर मोशंस हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस हैं, मोशंस इन ए प्लेन है, रिवर हैं, बोट हैं, एरोप्लेन प्रॉब्लम्स हैं, रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स हैं, ये काफ़ी लंबा चैप्टर्स जाता है, इंक्लूडिंग पूरे वेक्टर्स के सीरीज हैं। इतने सारे चैप्टर्स को मिला के काइनेमेटिक्स पोर्शंस बनते हैं। और मैं ये कहूँ कि मैंने पिछले वीडियोज में सॉल्व किया था नीट के सारे क्वेश्चंस को, आज के वीडियो में मैंने सॉल्व कर दिया एम्स के सारे वीडियोज में, और जो कमिंग वीडियोज हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेंस लेवल तक के लिए, एडवांस लेवल तक के लिए, तो मेरे साथ सीरीज़ को कंटिन्यू रखिएगा। काइनेमेटिक्स का अगला सीरीज बहुत जल्द आ रहा है आपके पास में, जहां मैं आईआईटीज के मेंस के, आईआईटीज के एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। उसमें इंक्लूड रहेगा उन सारे ओलंपियाड का भी क्वेश्चंस जो कि पूछा जा चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द